हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे Rama Rama Krishna 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 Hare 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 Rama हरे कृष्णा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ हैं सोते जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि बोल। हरि हरि। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धाम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. जय हर जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव रे जय राधा माधव जय गौरनिताय 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 जय 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 प्रभुपाद 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 नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। योग धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के जय, श्री राधा माधव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम वृंदावना रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरे न परा। कृपया शांति बनाए रखें। मंगलाचरण हो रही है, आप इतना आवाज करेंगे तो मंगलाचरण में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शांत रहिए, शांत रहिए। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णातरं किमपि तत्त्वं न जाने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने दिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचवत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे बोलिए दोनों हाथ जोड़ के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। उपस्थित भगवत कथा अनुवाद। भगवान की इस दिव्य कथा के छठे दिवस पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, जब परीक्षित महाराज 7 दिन की कथा सुने, वेद व्यास जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज जब भागवत के 7 दिन की कथा सुने, राजा मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मिता सत्य लोके तुला बंधवा तोल्यते साधना जहा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की कथा सुन करके भगवान का धाम प्राप्त कर लिया। आप सभी जानते हैं 7 दिन सुन करके तो सब जगह इस चीज की चर्चा होने लगी, हर जगह इस चीज की चर्चा होने लगी, हर जगह। उस समय यह चर्चा फैलते फैलते ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी बैठे थे, बोले अरे 7 दिन में भागवत कथा सुन करके भगवान को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है, ये संभव ही नहीं है। हम विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है, जब ब्रह्मा जी का हो गया तो हम और आप क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मा जी पूरा विस्मित हो गए। तब ब्रह्मा जी पूरा धाता अति विस्मित, पूरा विस्मित हो जाने पर, कंफ्यूज हो जाने पर ब्रह्मा जी बोले हम परीक्षा करना होगा इसका। तो कहते हैं सत्य लोके तुला बंधवा, सत्य लोक में एक बहुत सुंदर तुला लगवाया। तुला समझते क्या कहते हैं आप लोग? वेट मशीन क्या कहते हैं उसको? तराजू बनवाया। और एक पड़े में 7 दिन भागवत सुनने का फल रख दिया और दूसरे पड़े में जीवन भर तपस्या करने का फल रख दिया। और जब बटन दबाया, तुला उठवाया, तो पूरे जीवन तपस्या करने का जो फल था वह हल्का हो गया और 7 दिन भागवत सुनने का जो फल था वह भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा यह तपस्या का फल खत्म हुआ है, वो फल हल्का हो गया। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या का फल नीचे उतारा और जीवन भर अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ है और जितने भी सारे यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों का, एक यज्ञ नहीं सारे यज्ञों का फल एक तुला में डाल दिया और एक तुला में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल। और फिर तुला उठवाई तो जीवन भर यज्ञ करने का जो फल था ना वो हल्का हो गया और 7 दिन भागवत कथा सुनने का जो फल था वह भारी हो गया। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी जीवन भर दान करने का फल चढ़ाए, वह भी हल्का हो गया। जीवन भर पूजा इत्यादि करने का फल चढ़ाया, वह भी छोटा हो गया। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास कराया तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पात्र में भागवत सप्ताह का श्रवण का फल रख दिया और दूसरे तुले में कहते हैं यज्ञ का फल रखा, ध्यान का फल रखा, दान का फल रखा, सभी पुण्यों का पुण्य कर्मों का फल रख दिया और दूसरे पलरे में 7 दिन भागवत कथा रखने का फल रख दिया भक्तों। और कहते हैं ये सारे पुण्य मिलकर के भी भागवत कथा श्रवण का फल जो था उसे उठा नहीं पाया। भागवत कथा श्रवण करने का फल जो है सो क्या हुआ, भारी हो गया। लघुनी अन्यानी जातानी गौरवेनी दम्मा, सब छोटा हो गया। और ब्रह्मा जी ने डिसीजन दिया कि भागवत कथा सुनने का जो फल है वह सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार से भागवत बहुत अद्भुत, और यह एक ऐसी स्थिति है ना जिसमें कोई कष्ट भी नहीं है। आप बताइए, आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, कोई कष्ट है? अन्य पूजा आदि करने में सहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, इसमें कोई कष्ट है? लेकिन फिर भी लोग घर से नहीं निकलते हैं, नहीं आ पाते, क्या किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये एकदम आसान सी भक्ति है। केवल और केवल कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा सुन करके भगवत धाम वापस जा सकता है, भगवत को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सुनते रहना चाहिए भागवत कथा। और किनके मुख से सुना, ये तो हम लोग चर्चा किए थे, किनके मुख से सुनना चाहिए? किसी भी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए क्या? नहीं, शुद्ध वक्ता होना चाहिए। जो कृपया बच्चे को थोड़ा ध्यान रखिए। भोलेनाथ जी आप उधर बैठे हैं, थोड़ा उन लोगों का ध्यान रखिए। तपस्या, क्षमा चाहूंगा, किसी के भी मुख से भागवत कथा नहीं सुन लेना चाहिए। आजकल कथा करने के लिए लोग आते हैं, कथा नहीं करते हैं, गाते ज्यादा है और नचवाते ज्यादा है। आप लोग देखे होंगे कि हमारी कथा में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं गाते, बस हरे कृष्ण महामंत्र है ना, और अन्य गाना गा करके क्या फायदा, क्या फायदा। आज तथाकथित कथा वक्ता मात्र और मात्र भागवत को एक व्यवसाय बना दिए हैं, इंटरटेनमेंट की एक साधन बना दिए हैं। लेकिन भागवत कथा को इंटरटेन करने का साधन नहीं है। मैं एक बार कथा कर रहा था तो एक भक्त आए और कहे, प्रभु जी एक दिन की 2 दिन हुआ था, लोगों को जम नहीं रहा है, थोड़ा कुछ चुटकुला छोड़िए, कुछ जोक छोड़िए, थोड़ा हंसवाइए। मुझे बड़ा क्रोध लगा, मैंने उसे डांटा यही कि देखिए मैं कोई जोकर नहीं हूं और आपको हंसवाने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं भागवत कथा कहने के लिए आया हूँ और शुद्ध ज्ञान दे रहा हूँ। आप इत्मीनान रखिए, थोड़ी शांति रखिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। और तीसरे दिन से भक्तों एकदम पूरा पंडाल खचाखच भर जाता था। पंडाल छोड़ो, बहुत बड़ा फील्ड था, लोग वहां तक बैठते थे। और तो और जो लोग आए थे ना, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को फोन किया, और मुझे तो नहीं पता, प्रभु जी लोग थे वहां पे, बता रहे थे कि भक्त लोग 70 किलोमीटर दूर दूर से केवल कथा सुनने के लिए आ रहे थे। ये है शुद्ध कथा की पहचान, ये परिवर्तन है। वहां पर बहुत सारे लोगों ने जप माला लिया, बहुत सारे लोग अभी भी जप करते हैं डेली। और नेक्स्ट कथा के लिए बोल दिया कि प्रभु जी कंफर्म डेट अभी से 1 साल बाद करेंगे, लेकिन पहले ही करके। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान दिया गया। अब मैं उनकी बात सुन करके अगर मैं थोड़ा कुछ चुटकुला मारता, जोक मारता, तो वो 5 मिनट के लिए हंसते, कूदते, खेलते, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। भगवान का शुद्ध ज्ञान है, हम देंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हमने आपको पहले ही दिन बताया था, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अब लोगों के मन में लग रहा होगा प्रभु जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत बड़े भक्त अपने आप को बता रहे हैं। मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, मैंने पहले ही दिन स्वीकार किया था। मैंने बताया था ना मैं कौन हूँ, वो स्पीकर, स्पीकर है ना तो काला काला, बस वही स्पीकर हूँ। ये स्पीकर कौन सी बात बोल रहा है, जो मैं इस माइक को बोल रहा हूँ वही स्पीकर आपको बोल रहा है। उसी तरह ये स्पीकर कौन सी बात बोल रहा है, जो हमारे गुरु महाराज जो श्रील प्रभुपाद ने बोला है ना वही बात ये स्पीकर यहाँ से माइक को बोल रहा है, ये माइक स्पीकर को दे रहा है और स्पीकर आप सबको सुना रहा है। कुछ नहीं है मेरे, मुझे कुछ नहीं पता, जो वहां से सुना आपको पेश कर रहा हूँ। अब देखिए अगर वो स्पीकर कुछ अपना ट्यून निकाले तो कैसे लगेगा आप लोगों को, थोड़ा चिलवाइए तो उसको, थोड़ा साउंड कराइए, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। उसका आवाज तब तक अच्छा है जब तक वह मेरी आवाज को बोले, अगर वह खुद से बोलने लगे तो उसका आवाज खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरी वाणी आपको तब तक अच्छी लग रही है जब तक मैं भगवान की वाणी, जब तक मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी, जब तक मैं गुरु महाराज की वाणी आपको सुना रहा हूँ, जब तक भागवत की वाणी सुना रहा हूँ तब तक। जैसे ही मैं अपनी वाणी बोलना शुरू कर दूंगा ना, खत्म खत्म हो जाएगा। यही अंतर है प्रमाणिक अप्रमाणिक में। तो इसलिए ये भगवान का दिव्य गान है। आप लोग आ रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से कथा सुन रहे हैं। आइए हम लोग गत सत्र में 16वें अवतार तक गए थे। 16वां अवतार कौन सा? आज 17वां अवतार की ओर जाते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी का था और 17वां भगवान वेद व्यास। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रे वेदतरो शाखा द्रष्टपुंशाल्पमेधसः। ततः तत्पश्चात 16वें अवतार के बाद सप्तदश 17वें अवतार में सत्यावेश अवतार सत्यवती के पुत्र सत्यवत्याम सत्यवती के पुत्र के रूप में, पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान वेदव्यास जी इस अवतार को धारण किया। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। वेद व्यास जी के अवतार का उद्देश्य क्या था? तो कहते हैं चक्र वेद तरो शाखा, बोले वेद रूपी वृक्ष का चार भाग किए। दृष्टि पुंसल्पमेधसा, मनुष्य की अल्प बुद्धि देख करके वेद व्यास जी ने विस्तार किया वेदों का। आइए संक्षिप्त में वेद व्यास जी के जन्म और कर्म को सुने। तत्पश्चात आज बहुत सुंदर उत्सव है, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म तथा विवाह। विवाह भी आज ही करा देंगे भगवान का, एक ही दिन में जन्म एक ही दिन में विवाह। वैसे भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम दिव्य है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वेदों का विस्तार किया। एक समय की बात, पराशर नाम के ऋषि संसार में विचरण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना के तट पर सत्यवती का दर्शन किया और पराशर ऋषि ने सोचा ये समय ये स्थान एक दिव्य पुत्र प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। तब पराशर ऋषि ने देवी सत्यवती से प्रस्ताव रखा, देवी सत्यवती ये समय ये स्थान एक दिव्य पुत्र प्रकट करने के लिए अनुकूल है, तुम मेरे साथ संग करो और पुत्रोत्पत्ति करो। भक्तों सत्यवती मुनि सत्यवती पुरुषों में स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र की पत्नी सची की दासी थी। बहुत सुंदर कथा है। भगवान के जन्म की व्यवस्था हो रही है, अद्भुत। लेकिन शांति से करिए, डिस्टर्ब नहीं करिए कथा में, आवाज नहीं, 4-5 आदमी नहीं, 2 जन रहिए बस। घटना ऐसी थी भक्तों कि भगवान वामन एक बार देवराज इंद्र के सभा में गए और वहां पर भगवान वामन का अभिषेक हो रहा था। भगवान वामन का अभिषेक करने के लिए इंद्र की पत्नी सची ने अपनी दासी को नदी में जल लाने के लिए भेजा। तो ये नदी से जल ले रही थी। उसी समय उनके घड़े में एक मछली आ गई, तो ये मछली को ऐसे करके उठाई तो मछली के दासी के हाथ से वह मछली उड़ी और जा करके बगल में ही पराशर ऋषि स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वह मछली पराशर ऋषि के गोद में गिरा। पराशर ऋषि का ध्यान भंग हुआ। किसने इस मछली को फेंका? दूर खड़ी स्त्री को देखा, क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि इस मछली के कारण तुमने मेरा ध्यान भंग किया है, तुम अगले जन्म में मछली बन जाओ, समझ जाऊंगा, मछली के गर्भ से जन्म लो और तुम्हारे शरीर से जिस प्रकार इस मछली का गंध आ रहा है वैसे ही तुम्हारे शरीर से मछली का गंध आए। तो पराशर, ये महिला कांप गई, कुछ बोली नहीं, जल लेकर के इंद्र की पत्नी के पास लाई और उसमें वहां पर वामन देव के अभिषेक में पराशर स्त्री पधारे थे। इंद्र की पत्नी सची को इसने अपनी सारी घटना बताई। इंद्र की पत्नी सची ने देखा कि पराशर ऋषि आए हैं, बहुत सुंदर निवेदन किया। पराशर ऋषि ने कहा, इसे दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दासी जब आएगी और उस समय जब मेरा संग करेगी ना, तब यह आराम से जल्दी जल्दी करिए, तब इनके शरीर से यह जो गंध है, मछली का गंध है, वह चला जाएगा। और तो इस प्रकार से यह सत्यवती के रूप में अगला जन्म हुआ। इनका भी जन्म बड़ा अद्भुत। चेदी देश के राजा जिनका नाम था अपरिचर वसु, ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत विमान प्रदान किया था, इसलिए इनका नाम हुआ अपरिचर वसु। एक दिन इनकी पत्नी ने कहा, मुझे पुत्र की प्राप्ति करानी है। अपरिचर वसु ने कहा, अभी युद्ध के लिए जा रहा हूं, आऊंगा उसके बाद कराऊंगा। बोले ठीक है। तो जा रहे थे, रास्ते में अचानक वीर्य स्खलन हुआ और स्खलन होने से उसे पत्ते में डाल करके, बाज के मुख में डाल करके कहा कि मेरी पत्नी को दे देना। तो वह बाज आकाश में आ रहा था, दूसरा बाज आकर के आकाश में उसे टकराया, उसके मुख से वह पात्र नीचे गिर गया और एक मछली ने उस वीर्य को ग्रहण कर लिया। कुछ दिन के बाद एक मछुआरे ने उस मछली को जाल में फंसाया और जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उस मछली से दो संतान उत्पन्न हुए, एक पुत्र और एक कन्या। तो दो संतान दिए। उस समय वहां अपरिचर वसु आए, पुत्र को लेकर के चले गए और कन्या को वहीं पर छोड़ दिए, क्योंकि कन्या के शरीर से मछली का गंध आ रहा था। सोचा अभी लेके जाऊंगा, राजमहल पूरा गंध करेगी, छोड़ दो यहीं पे। तब उस कन्या को नहीं ले गए। उस दिन से सत्यवती वहीं पर मछुआरे के पास पुत्री के रूप में रहने लगी, अपने पिता के कार्य में हाथ बटाती थी। यमुना के किनारे नौका लेकर के बैठती थी। एक दिन पराशर ऋषि वहां पे आए और उन्होंने सत्यवती को यह प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ संग करो, पुत्र उत्पन्न करो, यह एक दिव्य समय है, ठीक है। तो उस समय वहां पर सत्यवती ने 3 शर्त रखी। तुरंत वहां पर अंधकार छा गया, सत्यवती के शरीर से मछली की गंध खत्म हो गई और सत्यवती के शरीर से कई योजन तक दिव्य सुगंध आने लगी। और इस प्रकार से पराशर ऋषि की दिव्य दृष्टि से सत्यवती के गर्भ में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ और वह बालक हुए श्री वेद व्यास भगवान की जय। है ना? तो इस प्रकार से भक्तों, यमुना का जल काला है, यमुना का रंग भी काला है। गाते भी है ना, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, कारी राधा गोरी गोरी, बर बरसाने में धूम मचावे वृंदावन की छोरी, बरसाने में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राधा रस से बरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। थोड़ा सा ही गाऊंगा, कथा बहुत लंबी है। तो यमुना जी का पानी श्याम रंग का है, इसलिए यमुना का नाम कृष्णा है, और कृष्णा नदी के तट पर इनका जन्म के कारण इनका नाम हुआ वेद व्यास। और जन्म लेते ही अपने माँ सत्यवती से आशीर्वाद लेकर के चले गए। बोले माँ जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लेना, क्योंकि दिव्य कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं। तुरंत चले गए और चलकर आगे चल करके यही देवी सत्यवती का विवाह राजा किनके साथ, हाँ शांतनु के साथ, और उनसे दो पुत्र चित्रांगन और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का विवाह पितामह भीष्म ने अंबिका और अंबालिका से कराया, क्षमा चाहूंगा अंबिका और अंबालिका से कराया, लेकिन अंबिका और अंबालिका गर्भवती हो उससे पहले ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा प्रश्न उठा, कौन शासन करेगा कौन शासन करेगा। अराजकता छाने के डर से उस समय सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया, और वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टि से ही अंबिका और अंबालिका को गर्भवती किया, और उनसे 3 पुत्र है ना। अंबिका की आंखें बंद हो गई, इसलिए उन्होंने जो पुत्र को जन्म दिया वह धृतराष्ट्र कहलाए। वेद व्यास की दृष्टि जब अंबालिका के ऊपर पड़ा तो वह पीली पड़ गई, इसलिए राजा पांडु का जन्म, और थोड़े बीमार। और वेद व्यास जी की दृष्टि उनकी दासी पर पड़ते ही महाभागवत किनका जन्म, विदुर जी का जन्म। तो इस प्रकार ये शास्त्रों का लिंक है। परंतु भक्तों वेद व्यास जी हम जीवों के लिए बहुत बड़ी कृपा की है, आप जानते हैं बहुत बड़ी कृपा। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। भक्तों हम इस जगत में जहां में रह रहे हैं, परंतु इस जगत में रह करके हम सुखी नहीं, सुख होना चाहते हैं लेकिन नहीं। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें वेदों के अनुसार से अपना जीवन जीना पड़ेगा। भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई, सृष्टि के साथ साथ ये वेद ये पुराण ये गीता भागवत बनाए, जिससे मनुष्य पढ़े और इस सृष्टि में खुश हो जाए। लेकिन हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि हम वेद पुराण पढ़ेंगे। हम लोग कहते हैं, कभी कभी हम लोग गीता बांटने के लिए जाते हैं, लड़कों को कहते हैं भगवत गीता पढ़ो, समय कहाँ है, नौकरी लग जाती है अब पढ़ो, समय कहाँ है, बूढ़ा हो जाता है अब पढ़ो, समय कहाँ है। फिर पता चलता है ये समय ही उसका नहीं हुआ और उसकी टाइम चल गया। अब फिर पता नहीं शायद कुत्ता बना होगा। ये आप ये जो कुत्ते उत्ते देखते हैं ना, ये साधारण नहीं है, ध्यान रखना। आप लोगों को क्या लगता है ये कुत्ता क्या है? ये सब पहले के पूर्व के इंजीनियर और डॉक्टर हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, हंस रहे। वही इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग बार बार कहते रहे भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, नहीं माना और नहीं माना भगवान ने। फिर उनकी जैसी मती गई। डॉक्टर लोग बहुत सारे कुत्ते पोसते हैं, बस कुत्ता बन गया। अंतकाल में जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी ना। तो इसलिए यम यम वापी स्मरण भावित नित्य कलिवरम, जिस जिसका स्मरण करते हम शरीर त्यागते हैं ना, वही हमारा अगला जन्म होता है। बस हो गया, कुत्ता बन गया, वही सब है। आप इन सबको साधारण मत समझिएगा। अब उसी में कोई ज्यादा बड़ा डॉक्टर था तो थोड़ा पालतू कुत्ता बनाया एकदम गोरा सा, कोई लफंदर था तो गली वाला कुत्ता बन गया जो कुछ काम नहीं करता था। कुछ लोग होते ना हमारा, क्या करते हो? हम लोग बोले ना आपको, गए थे जमुई मार्केट कर रहे थे कीर्तन, तो एक व्यक्ति आया, क्या करते हैं? कुछ ना, ऐसे घूमते रहता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति बन गए गली वाले कुत्ते। अब मजाक मत सोचिएगा। अब लोग, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यम यम वापी स्मरण भावम तेजंते कलेवरम। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मरते वक्त जिस प्रकार से व्यक्ति मेरा स्मरण करता है ना, मैं उसको अगला जन्म उसी रूप में देता हूँ। ध्यान रखें, मेरे शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये कुत्ता बित्ता कोई साधारण जानवर नहीं है, इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रभु जी ये लोग कहीं से आ गए। कहीं से नहीं आए हैं ये लोग साहब। ये लोग एकदम बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियंस है, सब हो बड़े बड़े गाड़ी मर्सिडीज BMW में घूमने वाले ये लोग। लेकिन क्योंकि भगवान से विद्रोह किया, भगवान से विमुख रहा, भगवान की बातें नहीं सुना, तो भगवान ने बोला जा बेटा अब भौं भौं करते रहा। बहुत भौं भौं किया करता था। साधारण सी बात है, जिसे किसी को बहुत ज्यादा स्विमिंग का शौक था, उसकी पैशन था कि मुझे स्विमर बनना है, तो भगवान उसको क्या बना दिए, मछली। तैरते रहो बेटा। किसी को दौड़ने का बहुत, दिन भर दौड़ते रहेंगे, भगवान बोले अच्छा चल बेटा अब तो घोड़ा बन जा, टिक 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 दौड़ते रहा। कुछ लोग होते हैं जिसको काम करने का बड़ा मन करता है, होता है आप लोगों में से कोई व्यक्ति देखिएगा, कुछ कुछ माता जी का स्वभाव होता है, दिन भर एकदम लगी हुई है लगी हुई है लगी हुई है, तो भगवान उसको क्या बना दिए, गधा बना दिए। ये आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोग के पास भगवत गीता है, आज भगवत गीता मंगा लो वहां से, ठीक है। हम लोग लेकर के आए हैं, आप हमारे से भगवत गीता लीजिए और 8वां अध्याय खोलिएगा। कौन सा अध्याय और श्लोक संख्या बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, ठीक है बोलो, एक और बढ़ा दो उसमें, छठा कितना 8.6 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़िए। वहां भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो जिस चीज का स्मरण करते हुए मरता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है, फिक्स है। अब कुछ लोगों को मीट खाने का बहुत शौक होता है, तो भगवान उसको बना देते हैं बाघ, करते रहो। कुछ लोग बड़े उदार विचार के होते हैं, हम लोग मिलते हैं, आप लोग तो बहुत जीवन को टफ बना लिए हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कैसे जीते हैं पता नहीं। हम लोग जी सब खा लेते हैं, जो मिले सब खा लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, कमाल का है, सब खा लेता है बेटा, जा तू अब बन जा सुअर और मल भी खा ले, सब खा लेता है ना तू, जो मिलता है तू खा लेगा, चल अब सुअर बन जा और मल खा। तो व्यक्ति सुअर बन जाता है और मल खा लेता है। ज्यादा उदार नहीं बनना चाहिए, इसलिए जीवन में लिमिटेशन होना चाहिए अपने लाइफ में। मर्यादा अगर जीवन में नहीं है तो जीवन क्या है, क्या है जीवन, बेकार है। अब मान लीजिए आपको कोई बहुत सुंदर गाड़ी दे, बहुत सुंदर गाड़ी दे, BMW दे दे आप लोगों को, आप उस पर बैठो अनिरुद्ध प्रभु और चला रहे पूरा स्पीड, हाईवे पे लेके गए खूब स्पीड, एकदम 150 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, पूरा स्पीड करते हुए चल रही है। अब देने वाला आपको फोन करे कैसा है गाड़ी, मस्त है, सुपर चल रहा है, और स्टीयरिंग कैसा लगा, कमाल का स्टीयरिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा है, बहुत अच्छा, इंजन बहुत अच्छा, हॉर्न बहुत अच्छा, अरे टायर भी जबरदस्त, कलर भी जबरदस्त, शीशा बहुत जबरदस्त, अरे लेकिन थोड़ा संभाल के चलाना, गाड़ी में ब्रेक नहीं है। कार कितना भी अच्छा है, टायर कितना भी अच्छा है, स्टीयरिंग कितना भी अच्छा है, इंटीरियर और आउटर डिजाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार से जीवन कितना भी अच्छा है, हम कितने भी सुंदर हैं, कितनों भी सुंदर हैं, लेकिन जीवन में मर्यादा नहीं है तो जीवन कोई काम की नहीं। आजकल हम लोग कहते हैं, कभी कभी प्रश्न होता है कि भाई कपड़े ढंग के पहनने चाहिए, तो कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग आते हैं, स्पेशली माताएं, तुम लोग अपनी आंखें सुधारो। अरे भाई आंख क्या सुधरेगी, आंख तो अपना काम ही करेगा ना, आंख का कार्य ही है कि वह भोग की वस्तु देखेगा ही। अब प्रसाद वहां रखा हुआ है तो आंख देखेगा ही, उसे देखेगा कि नहीं देखेगा बताओ। अगर खुशबू ला करके यहाँ रख दिया जाए तो नाक सुधारेंगे कि खुशबू को दूर करेंगे, आप बताइए। दुर्गंध यहाँ फैला दिया जाए तो आप नाक सुधारिएगा कि दुर्गंध को दूर करिएगा, दुर्गंध दूर करेंगे ना। तो ये जो छोटे छोटे कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहन करके आ रहे हैं, गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं, तो उन सब चीज का ध्यान रखते हुए आंख नहीं, कान नहीं, व्यक्ति को अपना जीवन ढंग से जीना चाहिए। और कपड़े कम पहनने से सुंदर दिखते हैं, गंदा दिखता है, उल्टी आती है देख के, छी, और लोग उसी को खूबसूरती मान रहे। खूबसूरत तो ढका हुआ होता है। आज देखिएगा आप खूबसूरती किसको कहते हैं, सीता देवी आपको प्रमाण देगी। तो ये सब बहुत बड़ा मूर्खता है। क्यों ये सब हो गया? क्योंकि हमने वेद शास्त्र इत्यादि पढ़े नहीं, तो हमारा जीवन क्या हो गया? बिना मर्यादा के, कोई मर्यादा। आजकल लड़के लड़कियां बिना शादी के संग में रह रहे हैं ना। आप लोग पता नहीं, आप लोग जानते होंगे कि नहीं, उसका नया नाम दे दिया गया लिव इन रिलेशनशिप। बाप रे बाप। तो ये सब क्या है? बिना मर्यादा के। और फिर पता चलता है कि एक बार वो जो लड़का लड़की साथ में रह रही थी, एक बार प्रभु जी लटक गए पंखे में, कुछ दिन के बाद माता जी लटक गई पंखे में, लिव इन रिलेशनशिप बन गई डेड इन रिलेशनशिप, खत्म। ये स्थिति है। लेकिन आप लोग संस्कारी हैं, आप लोग जानते हैं, अपने बच्चों को कभी ऐसा संस्कार नहीं दीजिएगा। गाँव तो खैर बहुत अच्छा है, मैंने देखा। कभी भी किसी माता जी के माथे से घूंघट नहीं, मतलब घूंघट नीचे नहीं, भले बुजुर्ग माता जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, होना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्यों ढकेंगे हम माथा, अरे मूर्ख कहीं का। छोड़िए, अभी उस पर जाना बहुत बड़ा एक टॉपिक ही हो जाएगा, हमें कथा खत्म करनी है। लेकिन अगर मर्यादा नहीं हो तो गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट कर सकती है। ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट कर जाएगी। इसीलिए संभल करके, ये बच्चे लोग देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, संभल करके सुनिए। सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है। जब एक भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, जब बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है ना, तो 90% बच्चा सही होता है, 10% खराब होता है। लेकिन जब 8वां सेमेस्टर खत्म करके निकलता है ना, तो 90% खराब हो जाता है, 10% ही अच्छा बचता है। जी, ये स्थिति हो गई है आजकल। इसीलिए संभल करके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है, वेद नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने बहुत सुंदर कहते हैं कि भाई इन वेदों का व्यास करने के लिए वेद व्यास जी प्रकट हुए। ये वेद ये सृष्टि के प्रारंभ में स्मृति में थी। द्वापर युग तक ये सारे वेद स्मृति में थे। स्मृति मतलब इनके गुरु ने इनको बता दिया, ये सुन लिए, इनके गुरु ने इनको बता दिया, सुन लिए, फिर उन्होंने उनको बता दिया, सुन लिए, फिर उन्होंने उनको बता दिया, सुन लिए, सब याद हो जाता था। लेकिन वेद व्यास जी देखिए, कलयुग में लोगों की प्राय क्या हो जाएगी? प्रायण अल्प आयु, बुद्धि बहुत छोटी हो जाएगी, आयु बहुत कम हो जाएगी। तो भगवान ने जो ज्ञान इमं विवस्वते योग हम प्रोक्तावान हम अप्ययम, जो सूर्य देव विवस्वान को दिया था, वह कलयुग में कैसे पहुंचेगा? तब कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने यह सब को क्या क्या लिपिबद्ध किया। आज की हमारी ऐसी स्थिति है कि दोपहर को क्या खाए थे आप लोगों को याद है? किस चीज की सब्जी खाए थे? थोड़ा सोचेंगे तब बता पाएंगे। तो वेद पुराण कहाँ से याद रखेंगे? इसीलिए वेद व्यास जी ने उसको लिख दिया। तो सर्वप्रथम भगवान वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथर्वेद इत्यादि को लिखा। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की। इस उपनिषद, कठोपनिषद, कलिसंद्रण उपनिषद इत्यादि। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे इतिहास की रचना की। फिर वेद व्यास जी ने मन नहीं भरा और कलयुग के लिए, कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण रच दिए। और फिर नारद जी कि प्राकृतिक की कथा में हमने सुना था कि 17 पुराण सुनने के बाद भी वहां पर उनका मन नहीं भरा, वह संतुष्ट नहीं हुए, बड़ा विचलित हो गए। तो वेद व्यास जी प्रकट हुए और डांटे कि तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं, अब अंतिम निर्णय लिख दो, श्रीमद् भागवत पुराण लिख दो और तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा, तुम शांति को प्राप्त कर दोगे। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा। भक्तों, जब भागवत लिखना था ना, तो वेद व्यास जी ने गणपति गजानन महाराज को चुना, गणेश जी को चुना। बोले गणेश जी लिखने में बड़े एक्सपर्ट है। वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। बद्रिका आश्रम में बैठ करके, बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम में बैठ करके गणेश जी लिख रहे थे, व्यास जी बोलते जा रहे थे। देखिए भागवत में क्या रस है। गणेश जी बड़ा कथा सुनने में रुचि रखते हैं, बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ गणेश जी पहले ही दिन से विराजमान है, कथा सुन रहे हैं, है ना, पहले ही दिन से उनको कथा में बड़ी रुचि है। आप जानते हैं गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है बताइए? हाँ, परशुराम जी तोड़ दिए थे। नहीं, जब वो भागवत लिख रहे थे ना, भागवत लिखते लिखते एकाएक स्याही खत्म हो गई और भागवत लिखने में आनंद आ रहा था, रस आ रहा था। बोले अब नीचे जाऊंगा, बद्रीनाथ के मार्केट में जाऊंगा, वहां से स्याही लाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी और आनंद आ रहा है, क्या करें क्या करें। एक दांत तोड़ी और उसी से लिखना शुरू कर दिया। अभी भी वहां पे पत्थरों में लिखा हुआ है। तो अब जानते हैं, आप लोगों के मन में आया होगा ऐसा प्रमाण कहाँ है। प्रमाण चाहिए तो बद्रीनाथ जाइए, जहाँ वेद व्यास जी की गुफा है और उस गुफा के ऊपर गणेश जी ने पत्थरों के ऊपर जो भागवत लिखा है ना, आज भी वो पत्थर वहां मौजूद है, है ना। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी बहुत सुंदर भागवत जी का रचना किए और वेद व्यास जी के जन्म दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं आप लोग? मन में प्रश्न होता है किसे गुरु चुनना चाहिए। जब हम किसी को गुरु चुनते हैं ना, तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए वह कौन से शास्त्र से बोलते। इसे तो सब लोग जानते हैं एक स्वर में, वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस श्लोक को कौन काट सकता है? शास्त्र का यह काट प्रमाण है। देवकी परमानंद भगवान कृष्ण ही सबके कृष्ण गुरु हैं। तो क्योंकि संसार में हम कैसे रहें और इस संसार में रहकर हम कैसे सुखी हो सकें और मृत्यु के बाद कैसे हो सुखी, यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण वेदों के माध्यम से हम सबको दिए हैं। और भक्तों, वेद व्यास के बाद अगर कोई गुरु है तो वह कौन है? क्षमा चाहूंगा, कृष्ण के बाद तो वह है वेद व्यास जी। अब हम यह हमारे विशाल बुद्धि से, अपने इस महान बुद्धि से विचार करें तो दो ही हमारे गुरु हो सकते हैं, एक भगवान या फिर दूसरा वेद व्यास। इसलिए व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? जब वेद व्यास जी का जन्म होता है। तो वेद व्यास जी जगत के गुरु हैं, क्योंकि वेदों का अभ्यास किया, शास्त्र प्रदान किए। अब वेद व्यास जी के बाद, क्योंकि व्यास देव जी ने जो शास्त्र दिए हैं, सभी शास्त्र अलौकिक संस्कृत में था, आज वह संस्कृत कोई नहीं जानता। अब हमारे गुरु कृष्ण हैं, कृष्ण के बाद वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बाद जो शास्त्र लिखे हैं, उस शास्त्र को जो पढ़ा है और अपने जीवन में उतारा है, जो वेद व्यास जी के रचित शास्त्रों को पढ़ करके आचरण करता है और उसी शास्त्रों को यथारूप, ध्यान रखिए चेंज नहीं करे, एज इट इज जो आपको उपदेश करे वह हमारा गुरु। एज इट इज, चेंजिंग नहीं करे, खराब लगे या अच्छा, चेंजिंग ना करें। वह क्या हो गए? हमारे सच्चे गुरु हो गए। अपने मन की बात, अपनी बुद्धि की बात नहीं करें। अपने मन की बात, अपनी बुद्धि की बात करने वाला कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए भक्तों, जो शास्त्र में लिखा है जीवन में केवल वही कार्य करिए, उसी को गुरु बनाइए। जो वेद व्यास जी ने अपने शास्त्रों में लिखा है उनको अपने जीवन में उतार करके शास्त्र का उपदेश करें। वेद व्यास जी शास्त्र में कहीं नहीं लिखे हैं कि गांजा पीना चाहिए, भांग खाना चाहिए, अफीम खाना चाहिए, ना। कुछ लोग कहते हैं अरे शिव जी भांग खाते हैं, शिव जी गांजा पीते हैं। नहीं, नहीं खाते हैं, ना पीते हैं। हाँ, शिव जी गांजा और भांग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जोहर जरूर खाते हैं। अगर कोई वाकई वास्तव में शिव जी का प्योर भक्त है ना, तो थोड़ा बीज खा लिया करो। शिव जी को बदनाम मत करो। इंद्रिय इनको तृप्त करना है और बिल फाड़ते हैं बेचारे भोलेनाथ के नाम का। बहुत गलत है। भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, समस्त पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, वैसे ही करोड़ों करोड़ों वैष्णवों में यदि कोई वैष्णवों के सिरमौरी है ना, तो वह कौन है? वैष्णवा नाम यथासंभो शिव जी भोलेनाथ। और आप विचार करो, एक छोटा सा वैष्णव, हमारे जैसे छोटे छोटे वैष्णव चाय और कॉफी तक नहीं पीना चाहते, तो जो श्रेष्ठ वैष्णव है क्या वो भांग खाएंगे? वो तमोगुण के देवता हैं, मतलब तमोगुण के कंट्रोलर हैं। अच्छा, कैदी और जेलर दोनों जेल में रहता है कि नहीं? हाँ, जेलर भी जेल में रहता है और कैदी भी जेल में रहता है। तो जेलर को हम कैदी नहीं कह सकते है ना, कि वह तो जेल में है, उसे सजा मिली है। नहीं, वो तो नौकरी कर रहा है, वह तो अपना काम कर रहा है। वैसे ही भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? तमोगुण के देवता, लेकिन तमोगुण में नहीं है, उनके कंट्रोलर कंट्रोल में है ना। तो इस प्रकार से भागवत समझना चाहिए। दूसरों की बात सुन करके मत आइए, इधर उधर ज्यादा मत सुनिए, ध्यान रखिए। वेद व्यास जी ने, कोई कुछ कहे ना, अरे फलाना व्रत करो, अरे फलाना चर्चा करो, पूछो शास्त्र में कहाँ लिखा है इस चर्चा के विषय में, कहाँ लिखा है इस व्रत के विषय में? नहीं, मेरी बाजू वाली करती है, उसके बाजू वाली से पूछो, मेरी बाजू वाली करती है, उससे पूछो, मेरी मम्मी करती थी मायके में, उससे पूछो तो बोले कि मेरी बाजू वाली करती थी। ये बाजू वाला पता नहीं कौन है बाजू वाला। व्रत वही है जो शास्त्र में लिखा गया है, एकादशी व्रत है। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र के अनुसार से कार्य करने चाहिए। जो मन में आए वो नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग नए नए धर्म उत्पन्न करते रहते हैं, फलाना चर्चा, ढकाना चर्चा, ना जाने कौन सा चर्चा। हम शमशान में बैठे और हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे भाई, शमशान में सबको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं भी गया हूँ अपने जीवन में 2-3 बार शमशान। अरे आप क्या बात, यहाँ क्या प्रवचन हो रही है? कुछ भी नहीं, कोई प्रवचन नहीं। अरे वहां पे प्रवचन सुनो, सब लोग बालू पर बैठ जाएंगे। क्या है जीवन, देखो खेल रहा था 2 दिन पहले, लेट गया, बेकार करते हो ये सब। अरे कुछ नहीं रखा है जीवन में, छोड़ दो सब। और जैसे ही शमशान घाट से बाहर, बस आ ही रहा हूँ, ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ, तुरंत जा रहा हूँ, रुको रुको रुको, अरे तुम ये मत करो, मैं आ रहा हूँ, बस तुरंत। उनका वैराग्य खत्म। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य। वैराग्य आता है लेकिन उसको तुरंत धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार से वह वैराग्य नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग तथाकथित धर्म उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन वो धर्म क्या होता है? कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए धर्म तो एक ही है, भागवत धर्म, सनातन धर्म, जो सनातन है। कुछ लोग कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, कुछ कोई कुछ नहीं है। एक बात आज आपको मैं इस व्यास मन से बता देता हूँ, सुन लीजिए। सब लोग हिंदू है, सब लोग सनातन है, कोई मुस्लिम नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? मुस्लिम समाज में जाओ, जब तक उनके बच्चों का खातना नहीं होता है ना, तब तक उसको मुस्लिम नहीं मानते, नहीं मानते हैं जी। आप जाके देख लेना, तो मुस्लिम नहीं है अभी तक। क्रिश्चियन को मालूम है, क्रिश्चियन को जब तक क्रॉस नहीं पहनाया जाता ना, तब तक तू क्रॉस नहीं है बेटा, तब तक तू क्रिश्चियन नहीं है। ऐसे ही सिख, ईसाई, सब में से कुछ ना कुछ क्या है, नियम है, जिसके बाद वो बनता है। लेकिन सनातन, जब वो जन्म लिया तब वो सनातन है, जब वो जन्म लिया तब वो सनातन है, तब से वो सनातन धर्मी है। सनातन धर्म प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, खाली जागरूक कर देना। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? अमेरिका गए, अमेरिका जाकर के सबको बताया, भाई यही है। लोगों का लगा रहे नहीं, मेरा ये तो रियलिटी है, तुरंत सब लोग आ गए। आज देखो लाखों करोड़ों क्रिश्चियन मुस्लिम हमारे इस्कॉन मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें पता है एक मुस्लिम बहुत सुंदर अपना जीवन का ज्ञान दे रहा था कि मैं केवल भगवत गीता पढ़ा और भगवान का भक्त बन गया। और भगवत गीता का एक श्लोक क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः विमुक्ष्यामि मां शुचः। बस ये श्लोक पढ़ा और मुस्लिम धर्म छोड़ दिया। बोले क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह लिखते हैं कि सब कुछ छोड़ करके भगवान को सरेंडर कर दो, अल्लाह को सरेंडर कर दो। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर कर दो, तो मतलब भगवान तो वही हुए ना। तो फिर ये मुस्लिम धर्म क्या, तुरंत छोड़ करके आ गए। कैटो धर्म है, क्या है ये सब? क्या है? कैटो धर्म है। धर्म तो एक ही है, भागवत धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है ना। ये हमारी वास्तविकता है, वास्तविकता है। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बताया कि भाई जीवन जो है सो किस प्रकार से जीना चाहिए, वेदों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी का अवतरण संक्षिप्त में आपने सुना। अब हम लोग 18वें अवतार की ओर बढ़ते हैं। वेद व्यास भगवान की जय। तो आइए हम लोग 8वें अवतार की ओर बढ़े, 18वें अवतार की ओर। बहुत सुंदर, अद्भुत, दिव्य भगवान श्री रामचंद्र की कथा आप कारण जानते ही हैं। कारण क्या था? रावण इत्यादि यशरों के पाप से ये पृथ्वी क्या हो गई, भारी हो गई। और उन पापों से मुक्त करने के लिए भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। तो अवतार इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी से अनेक वंश चले, उनमें सबसे श्रेष्ठ रहा सूर्य वंश और सौम वंश। तो भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास इस प्रकार ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। कौन? याद रखना, पूछूंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि के। कश्यप, कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव। और सूर्यदेव की पत्नी जिनका नाम था संज्ञा। और सूर्यदेव के दो पुत्र हुए, श्राद्धदेव मनु और व्यसमान मनु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करें, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा। 5% आवाज निकल रहा है, कम से कम 20% निकालिए। हरे कृष्णा 10%, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विवस्वान मनु, दो पुत्र हुए, श्रद्धा श्राद्धदेव मनु और विवस्वान मनु। दो जिसे विवस्वान मनु भी कहा जाता है। और इस सूर्य देव से जितने भी पुत्र हुए, जितनी भी परंपरा चली, वह सूर्यवंश कहलाई। तो विवस्वत मनु, सूर्यदेव के पुत्र हुए विवस्वत मनु ने। विवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। और 10 पुत्रों में से जिनका नाम था इक्ष्वाकु, मनु महाराज के छींकने से इक्ष्वाकु महाराज का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी। सूर्यवंश की परंपरा गिनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्षी के पुरुंजय, पुरुंजय के अनेना, अनेना से पृथ, पृथ से विश्वरंदी, विश्वरंदी के चंद्र, चंद्र के युनास, युनासु के साबत, साबत के वृद्धश्व, बृहदस्व, बृहदस्व के कुबलस्व, कुबलस्व के गृडस्व, गृडस्व के हरियस्व, हरियस्व के निकुंभ, निकुंभ के कुशास्व, कुशास्व के सैनजित, सैनजित के पुत्र हुए युवनाश्व। तो युवनाश का कोई पुत्र नहीं था। ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ करवाया गया। वन में विचरण करने के लिए गए। ऋषि मुनियों ने जल अभिमंत्रित करके रखा था। युवनाश्व की पत्नी को पीना था, लेकिन पत्नी ने नहीं पी करके पी गई युवनाश्व। और होना था पत्नी को गर्भवती, ये हो गए गर्भवता। तो कुछ दिन के बाद अभिमंत्रित जल था, खाली जा नहीं सकता था। कुछ दिन के बाद पुत्र की उत्पत्ति हुई। तब पता चला कि भाई इनका माँ कौन बनेगा, दूध कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। बच्चा रो रहा था। उस समय इंद्र आए और उन्होंने अपनी उंगली को इनके मुख में रख दिया। इंद्र की उंगली में अमृत का श्राव होता है। बोले मामधाता, मैं इसकी माता बनूंगा, इसलिए इनका नाम हुआ मानधाता। इन्हीं मानधाता के 50 कन्याओं के साथ सौभरी ऋषि का विवाह। मानधाता के पुत्र हुए पुरुष, पुरुष के पुत्र हुए त्रिशदशु, त्रिशदशु के अनर्यन, अनर्यन के हरियस्व, हरियस्व के अरुण, अरुण के निबंध, निबंध के त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के शिष्य थे। अपने गुरु को कहा मुझे स्वर्ग में भेजो। बोले तपस्या करना पड़ेगा। नहीं, बोले आपके तपस्या भेजो। अब भेजा गुरुजी ने। उधर से इंद्र ने देखा, अरे ये तो बिना तपस्या के आ रहा है। उधर से इंद्र ने फोर्स लगाया, इधर विश्वामित्र जी ने फोर्स लगाया। दोनों के फोर्स से बीच में लटक गए। ये राजा त्रिशंकु आज भी आकाश में घूम रहे हैं। और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के विषय में आप लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के पुत्र हुए बाहुक। राजा बाहुक की 1000 पत्नी, एक पत्नी गर्भवती थी। बाहुक की 9,999 पत्नियों ने सोचा कि उसका पुत्र होगा तो राजा बन जाएगा, हमारा शोषण करेगा। सबने मिलकर के जहर दे दिया। तो वह बच्चा सूर्य किल के ऊपर भक्तों सूर्यदेव का बहुत कृपा, वह बच्चा हाथ में जहर लेकर के निकला। जो पिलाया गया था उसको हाथ में समेट करके निकल गया। तो जब उनका जन्म हुआ तो वह गर्ग के साथ जन्म लिए, इसलिए उनका नाम हो गया सगर। ठीक है, बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर के 2 पत्नी, उनमें एक पत्नी का नाम था केसिल और दूसरी पत्नी का नाम था सुमन। सगर के 60,000 पुत्र। 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और इंद्र उस घोड़े को, आप जानते हैं, गंगा सागर के तट पर भगवान कपिल देव के आश्रम में छुपा दिए। 60,000 पुत्रों ने कपिल देव का अपमान किया, वह जल करके राख हो गए। और घोड़े को ढूंढने के लिए सागर के 60,000 पुत्रों ने इस पृथ्वी को खोद दिया। उसी में आगे चल करके जल भरा तो वह बन गया सागर। सगर के पुत्र हुए असमंजस। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए प्रयास किए पर नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब उस समय अंशुमान ने बहुत तपस्या की और कपिल देव को प्रसन्न कर लिया। तो कपिल देव ने बताया कि ब्रह्मलोक तक पहुंची हुई गंगा अगर नीचे आए, इस पृथ्वी पर आए और उनकी अस्थियों को उनमें डाला जाए तो उनका उद्धार होगा, तब उनका उद्धार हो जाएगा। तो परंतु अंशुमान जी तपस्या की, ला नहीं पाए। उनके पुत्र हुए दलीप, दलीप भी प्रयास किए, ला नहीं पाए। और उनके पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ जी तपस्या की, देवी गंगा प्रसन्न हो गई और उस समय देवी गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किया। भागीरथ के पुत्र हुए स्रोत, स्रोत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के प्रातयायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के स्वदास, स्वदास के अस्माक, अस्माक के मूलक, मूलक के रघु, रघु के एडविड। और एडविड के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज। और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। रामायणकार महाराज दशरथ के विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो यावधपुरी रघुकुल मणि राहो। आप लोग बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र के जन्म का वर्णन है, बहुत सुंदर प्रसंग है। सब लोग बैठ जाइए, जो बाहर के लोग हैं उनको राह दे दीजिए, वो निकल जाएं और आप लोग शांति से बैठे रहिए। महाराज दशरथ के विषय में बहुत सुंदर कथा। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम है दशरथ, इनका नाम दशरथ इसलिए क्योंकि इनका रथ दसों दिशाओं में जा सकता है, स्वच्छंद गति से दसों दिशाओं में इनका रथ चलता है, अतः इनका नाम हुआ दशरथ। जिस नगरी के राजा है उसका नाम है अवध। अवध जहां पे किसी भी जीव का हिंसा नहीं, अवध सब लोग परम प्रसन्न, वेद विदित पूरा जगत जानता है राजा दशरथ, परम प्रतापी राजा। तारा मधुरंगा गुण निधि ज्ञानी, तारा मधुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदया भगति मति सारग पारे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय राजा दशरथ के से बहुत सुंदर। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ कर्तव्यों का पालन करने में, धर्म का पालन करने में धुरंधर। एक बार किसी को वचन दे दे तो प्राण देकर भी वचन दे दे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण धर्म धुरंधर और भगवान की शुद्ध भक्ति रहे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर सब लोग आइए। हम लोग हमारे भगवान के पिता का वर्णन हो रहा है, गाइए सब लोग। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म सारंग पानी, हृदय भगति मति 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 सारंग पानी। धर्म में धुरंधर सब लोग प्रेम से गाइए महाराज दशरथ के गुणगान। पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं, सूर्य वंश रघुकुल में जिनका जन्म हुआ, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राजा राजवर्ण वाले सब कुछ है, परंतु भक्तों इस जगत का एक नियम है, ये जगत अपूर्ण है। इस जगत में अपूर्णता का अनुभव सबको होता है, सबको इस जीवन में अपूर्णता का अनुभव। राजा के पास सब कुछ था लेकिन एक चीज की कमी थी। एक दिन महाराज दशरथ अपने महल में बैठे हैं और अपने महल में बैठे एक बार भूपति मन माही, एक बार सुख नाही भाई गलानी मोरे सुख नाही भाई गलानी मोरे सुख नाही भाई गलानी मोरे सुख नाही। बैठे हैं अपने महल में बैठे हैं और मन मन सुख कर रहे हैं। राजा दशरथ अपने मन में बैठे बैठे मनी मन शोक कर रहे हैं कि विवाह के इतने दिन हो गए मोरे सुख नहीं, अभी तक मुझे कुछ सुख नहीं। क्या मेरे जीवन में मैं बिना पुत्र वाला रहूंगा? मुझे पुत्र का सुख नहीं। महाराज दशरथ को पुत्र का सुख। उसी समय तुरंत महाराज दशरथ कहते हैं गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला गुरु सब गुरु ही सुनायो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ कही वशिष्ठ बहु बिन समझायो कही वशिष्ठ बहु बिन समझाओ। अपने गुरु के पास गए राजा दशरथ ने आचमन करके सिखाया। इस संसार में जब हमारे जीवन में दुख हो ना, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने बांधव, अपने राजा, अपने मंत्री, अपने सगे संबंधियों के पास ना जा करके कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। दूसरा कोई वह राय नहीं दे सकता जो आपको आपके गुरु दे सकते हैं। लिख के ले लो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ स्वार्थ रखता है इस जीवन में। मात्र और मात्र एक ही गुरु हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा, हमें ज्ञान, दूसरा और कोई नहीं। गुरु के पास और आज महाराज दशरथ चाहते अपने मंत्री से मंत्रणा कर सकते थे, मंत्री से मंत्रणा कर सकते थे, प्रजा के पास जा सकते थे, अपनी पत्नी के पास जा सकते थे, अपने सगे संबंधियों के पास जा सकते थे। कहीं नहीं, कहाँ गए? गुरु के पास। याद रखिए, जीवन गुरु गुरु। राजा दशरथ नंगे पांव हाथ जोड़ करके गुरु के पास गए और आंखों में आंसू। पूरी दुनिया के राजा हैं, राजा आंखों में आंसू भर करके गुरु के चरणों में। गुरु जी ने कहा राजा, राजन धीरज रखिए, क्या चिंता है, क्या चिंता? राजा दशरथ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर गुरु जी से कहने लगे गुरु जी इतनी पत्नियां हैं, विवाह हुए इतने दिन हो गए, मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं। क्या गुरुजी मैं कभी पुत्र वाला नहीं बनूंगा? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? महाराज दशरथ रोने। उसी समय महाराज वशिष्ठ अपने वरद हस्त ऊपर की ओर कहते हैं। महाराज दशरथ अपने वरद हस्त ऊपर किए और कहते हैं क्या तरहु धीर हो यही चारी दर सुत चारी हूँ दे हो नहीं सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भय। राजन राज में धीरज धारण करो। आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे वो चार चार पुत्र की प्राप्ति, ये सुनकर चार पुत्र की प्राप्ति होगी और रघुकुल के ध्वज फहराएंगे। रघुकुल के ध्वज फहराएंगे, ये सुनकर तो महाराज दशरथ परम प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। लेकिन राजवी, ये पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। अद्भुत सिद्धांत भक्तों, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है। देख रहे हैं कि मैं मेरे पुरोहित का उद्धार नहीं कर सकता। ये गाड़ी को साइड करा दीजिए और उधर बिठा दीजिए लोग। ये गाड़ी वाले ऐसे क्यों लगाते हैं डेली डेली कथा पंडाल के सामने? देखिए लोगों खड़े हैं, ठीक बात थोड़ी है। कथा में डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है। तो राजन आपको पुत्र प्राप्त कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। ये एक शुद्ध ब्राह्मण है भक्तों। शुद्ध ब्राह्मण वो है, शुद्ध पुरोहित वो है जो देख रहा है कि मेरे जजमान का मैं उद्धार नहीं करा सकता, फलाना व्यक्ति करा सकता है तो उसके पास भेजें। आज की स्थिति क्या है? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़ करके, मैं ही कराऊंगा, भले मुझे आवे या ना आवे, लेकिन कराऊंगा मैं, भले उसकी वाणी शुद्ध ना हो। एक व्यक्ति, कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर गया था, तो एक व्यक्ति किसी को बता रहे थे, पूरे मुख में वो बहुत सारा चीज खाए थे, पान, पुड़िया, खैनी, उन्हें सब कुछ भर लिए थे। आचार खिया हूं, बोल नहीं पा रहा था, ऐसे बोला आचार खिया हूं, आगे भी करा लेता हूँ। और जैसे बोलते थे मुख से थूक निकलता था। मैं बगल में खड़ा कर रहा था, पूरा रूम गंद कर रहा था उसके मुख से। ब्राह्मण थे, मंदिर के पुरोहित हैं, पुजारी हैं। अब मैं व्यासपीठ पे बोल के भागवत बोलता हूँ, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इतने अपराध। एक में तो मंदिर में है, ऊपर से इतना कचड़ा मुँह में भर के रखा है, और ऊपर से ऐसे लोग भागवत भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। अब बताओ ऐसे भागवत और ऐसे यज्ञ से किसका उद्धार होगा? जब उसके मुख के सामने एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, इतना गंध कर रहा है उसका मुख शराब, खैनी, पुड़िया, बीड़ी का, तो भगवान कहाँ से खड़े रहेंगे? विचार करना, शुद्ध नहीं है। इसलिए शुद्ध वक्ता के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। वक्ता वो है जो अपने जीवन में चाय कॉफी तक भी ना पीवे, ये शुद्ध वक्ता की निशानी। राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए श्रृंगी ऋषि के पास जाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि के पास गए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और कहते हैं भक्ति सहित मुनि आहुति देनी। बहुत सुंदर भक्ति के साथ महाराज आहुति दिए, और आहुति देने के बाद उससे एक चरु उत्पन्न हो गया, और इस चरु को महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में बांट दिया। और कहते हैं जिस दिन से तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया है, उस दिन से ये अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहे हैं। अयोध्या के दिन कैसे बीत रहे हैं ना, कहना मुश्किल है। कई वर्षों से नदियों का जल सूख गया था, लेकिन पता चला है कि आज भगवान आने वाले हैं। समस्त नदियों में बहार आने लगी है, सुख ही सुख हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। और कहते हैं खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं ना, जल्दी बीत गए, और आज वह परम पवित्र तिथि उपस्थित हो गई, परम पवित्र तिथि उपस्थित हो गई। गोस्वामी जी ऐलान कर रहे हैं वह परम पवित्र तिथि आ गई, और वो परम पवित्र मुहूर्त आ गया। और उस परम पवित्र मुहूर्त में भगवान किस प्रकार से जन्म लिए, रामायणकार कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 पता चला पृथ्वी लोक पर भगवान श्री रामचंद्र आज प्रकट होने वाले हैं। समस्त देवी देवता अपने अपने विमानों को सजा करके नए नए वस्त्र धारण करके विमानों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर इस पृथ्वी लोक पर आकर के आकाश के माध्यम से फूल बरसाना। जय हो, जय हो। अरे वो मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी देवी देवता आकाश में विमान ला करके खड़े थे। आज तक केवल इस पृथ्वी पर ट्रैफिक जाम होता था, आज अयोध्या के आकाश में ट्रैफिक जाम हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी जाम हो रहा है। अरे भगवान जो आने वाले हैं, जब भगवान आते हैं ना तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम हो गया, फूलों की वृष्टि कर रावण आदि अत्याचारों से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था। पता चला भगवान श्री रामचंद्र आने वाले हैं। वृक्षों के ऊपर बहुत सुंदर डाली में बहुत सुंदर सुंदर फल और फूल आ गए। रावण आदि के अत्याचारों से नदियों सूख गई थी, आज नदियों में बहार आने लगी। रावण के अत्याचार से संतों के हृदय में जो दुख हुआ था, साधु संतों की अग्नि जो बुझ चुकी थी, वह अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी। साधुओं के मन में आनंद होने लगा और समस्त देवी देवता आकाश के मार्ग से दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि रमणम शमणम भयाकुलताह हरम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत माधव धाम प्रभु। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता क्षत्रिय प्रजधारं धर्म सुजार शारंधारं जनतारं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, कई के कारण नाथ विवारण अशुभ विवारण बदवार भव सिंधु तारण जन्म विचार चारु तारण भगवंता। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। कई के कारण नाथ विवारण असुर विचारण बदवारण भव सिंधु तारण जन्य विचार चारो तारण भगवंता, चारो तारण भगवंता, चारो तारण भगवंता, चारो तारण भगवंता। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। समस्त देवी देवता आज भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति आप भी प्रेम से गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, भज राम 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 सीता राम राम राम, भज राम 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 सीता राम राम राम। आप लोग चाहते हैं कि भगवान यहाँ प्रकट हो? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं? केवल हाथ खड़ा करने से नहीं होगा, थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। अब सुने देवी देवता अपने अपने धाम से आ गए अयोध्या, तो क्या हम खड़ा होकर के दो कदम चल नहीं सकते? जय हो। आइए हम यहीं पर खड़े होकर के भगवान की स्तुति करें और यहीं पर भगवान को प्रकट करा दे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा उदंड नृत्य। अभी डीजे वाले देखे कैसे गंदे गाने पे नाच रहे थे। हरि बोल। नाचना पड़ेगा तभी भगवान प्रकट होंगे। ऑफिस के लिए बहुत नाचते हैं, यहाँ ऑफिस, यहाँ ऑफिस, आज भगवान के लिए नाचना है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 जय राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल। आएंगे आएंगे, गाइए दोनों हाथ खड़ा करके कीर्तन करते हुए। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस तरस रहे नैना, 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 आओ नंदलाल। Ram 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 Ram। जब तक सब लोग नहीं नाचेंगे। देखिए, अगर भगवान को प्रकट कराना है तो सबको नाचना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर ही हिलिए, थोड़ा सा हिलिए। सब लोग, बीच की माता जी लोग नहीं नाच रही है, मैं देख पा रहा हूँ। वो लोग कसम खा के आए हैं कि नाचेंगे नहीं। नहीं, फिर ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, नाचना पड़ेगा। आना हम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, 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 आना मदन गोपाल में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। भी आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आप भी आना राधिका जी को लाना, आके चरण से बना, अरे जाओ जाओ जाओ, आके चरण से बना हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में। प्रकार समस्त देवी देवता भगवान पर बहुत स्तुति करें और उसी समय अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, कट्टी विकायों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, साधु संत महात्माओं को आनंद देने के लिए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो गए। रामचंद्र की चारों भैया की। जैसे ही प्रकट हुए सब लोग अवध में गाने लगे। क्या हे अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम जी, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम जी, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम जी, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम जी, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री राम जी, अवध में आनंद भयो, जय जय श्री बोले सियावर राम चंद्र की जय हो जय हो जय जय श्री राम जय। तो हम लोग अभी सुनेंगे भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं तो हम लोग भजन सुनेंगे। जन्म लिए रघुरैया हरि हरि बोले सियावर राम चंद्र की। खा के नहीं आए क्या आप लोग? बोले सियावर जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करें। सभी लोग जिनके जिनके पास हाथ है खड़ा कर लीजिए। और क्या करना है, किसी के बर्थडे में जाते हैं आप लोग तो उसमें भोजपुरी गाना बज जाते हैं तो खूब ठुमका लगाते हैं। माताएं लोग ऐसे घूंघटकार के ठुमका लगाती है और चाचा लोग दिल कुर्ता खोल ऐसे ऐसे उड़ा के करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग हाथ उठाओ। सभी लोग बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। सभी लोग हाथ खड़ा करके जय श्री राम। हरि बोल। पाठ करे पंडित जन वेद को पाठ। हाथ नीचे मत कीजिए। वेद को पाठ करे पंडित जन वेद को पाठ करे करे पंडित जन करे पंडित जन करे पंडित जन करे पंडित जन। द्वारे द्वारे बजे सहनैया। हरि बोल। बाजे बधैया द्वारे। सभी लोग हरि बोल। बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया बाजे बधैया। केहू लुटावे अनधन सोना। आप लोग कहते हैं जे करे शर्म अगर फूट जाए करम, फिर शर्म किस बात की। सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए। जय श्री राम। अरे बहन माई लोग सब लोग खड़ा कर लो आ तनी नाच लो, नहीं तो संसार में तो नचाही के बा। और क्या सभी लोग और क्या कुछ ए भैया सभी लोग हाथ खड़ा करें सभी लोग। अरे केहू अरे दशरथ लुटावे अन्नधान सोना, दशरथ लुटावे अन्नधान सोना, अन्नधान सोना हो अन्नधान सोना, अन्नधान सोना हो अन्नधान सोना। तेनु मैया लुटावे अवध में बाजे बधैया, भैया लुटावे रेणु गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया 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 अवध में बाजे बधैया। जय चारों भैया ने की जय श्री राम। अब आपने प्रभु जी वो सब मत करिए, लड्डू मत फेंकिए प्रभु, मत करिए, गिरा देंगे बाद में, दीजिए ना सबको। अरे प्रभु सबको मिक्स करके बांट देंगे बाद में, जो भी देना है बाद में दीजिए, नहीं उधर फेंक दीजिए। बैठ जाओ सब शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद बहुत सुंदर ठीक है हो गया। शांत शोर मत करिए, शांत हो जाइए। बच्चे लोग को बिठाइए प्रभु, बिठाइए वहाँ पे, सब लोग बैठ जाइए, शांत हो जाइए, शांत बैठ जाइए। भगवान का जन्म हुआ है, विवाह की है। देखिए पैर से बैठना है तो मुंह क्यों हल्ला कर रहा है, शांति से बैठिए। हरे कृष्णा। ओ बच्चे शांति से बैठो, शांति से। बैठ जाइए। अभी कथा बहुत अच्छा है, आगे बहुत आनंद आएगा। ये तो आप ही सोचो जन्म में इतना आनंद, विवाह में तो और क्या क्या होगा। बैठ जाओ प्लीज, खाली बैठ जाओ आप लोग, शांति से मुझे कथा करने दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर भगवान प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए भक्तों, आप जानते हैं कि भगवान कोई साधारण बालक तो है नहीं, भगवान प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर विभू स्वरूप है, बहुत सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बहुत आप लोग अगर सुनेंगे तो मैं कथा ए माता जी ए माइक दो माइक दो माइक माइक बोल। आप लोग हल्ला करेंगे क्या हो रहा है, पकड़ा देंगे। क्या हो रहा है, क्या बोल रही है आप, दिव्य बातें। थोड़ा माइक दो, दो चार लोगों को सुनो क्या क्या चिल्ला रहे। पहले माता जी को दो, आगे बैठ के बोल रहे थे। ये आपके बगल में जो बैठ, उनको पीछे जो बैठी थी, बता दो दो माइक। वहाँ कॉर्नर पे काहे का भीड़ है, कॉर्नर पे शांत करिए। मधु माता जी बिठाइए सबको, वहाँ पे बिठाइए। ओ मिथिलेश प्रभु क्यों हंस रहे हैं, सबको बिठाइए वहाँ पे, सब बैठ जाइए। तो भगवान कोई साधारण बालक की तरह प्रकट नहीं हुए भक्तों। कहते हैं भगवान कैसे प्रकट हुए। अरे उनको बुलाओ, अभी कितना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो लाली चरण को बुलाओ। जैसे ही प्रकट हुए देवी कौशल्या के मुख से बहुत सुंदर स्तुति निकल पड़ी भक्तों, क्योंकि भगवान कोई 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 साधारण पुरुष नहीं है कि साधारण व्यक्ति की तरह जन्म हो ना। भगवान दिव्य है और भगवान दिव्यता के साथ जन्म हुए। चतुर, बहुत सुंदर भगवान प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए, माथे पर मुकुट है और भगवान विभू स्वरूप है। भगवान का स्वरूप आकाश को छू रहा है। और जैसे ही देवी कौशल्या ने देखा तो मुख से स्तुति निकल गई। क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। 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 हर सिद्ध महतारी मुनि मद हारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मद हारी अद्भुत रूप विचार। लोचन विराम तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन काला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। लोचन विराम तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कदुई कर चोरी स्तुति तोरी कई विधि करहूँ अनंता। कई दुई कर चोरी स्तुति तोरी कई विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञाना पुराण बनंता करुणा शुभ सागर सब गुण आगर गवही ध्रुव सुति संता सो मम हृदय लागी जन अनुरागी प्रणव प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिपेद कहे मम मुर शोभासी यह उपहासी सुनता दिय पति तेरा कहे मम यह उपहासी सुनता धीरा पति तेरा सुंदर कर प्रभु आप प्रकट हुए हो प्रभु 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 मैं तो वात्सल्य रस का उपास मैं आपके इस विभू स्वरूप का कैसे सेवा कर पाऊंगी, कैसे सेवा कर पाऊंगी प्रभु प्रभु मुझे तो आपको भोजन कराना है, मुझे तो आपको गोद में लेना है, मुझे आपको गोद में लेना है प्रभु, आपको भोजन कराना है, आपको कपड़े पहनाने हैं प्रभु। हे प्रभु मैं अगर इतना विभू स्वरूप रहेगा तो मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी, कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगी प्रभु, कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि न चहे कई कथा सुहाई माँ तू बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली मत होता क्या रूपा माता पुनि बोली सोमति डोली जताऊ तातया रूपा माता बोल रही है क्या बोल रही है प्रभु। प्रभु ये विभू रूप को त्याग दो प्रभु, इस विभू रूप को त्याग दो बोले माता माता विभू रूप को त्याग दो तो क्या हो जाऊं बोले शिशु बन जाओ बोले शिशु शिशु कैसे बन जाऊं शिशु कैसे मेरा तो स्वरूप ही यही है मैं ऐसा ही रहता हूं माता मैं बच्चा कैसे हो जाऊं बोले तुम्हारा स्वरूप है पुत्र लेकिन तुम्हें यहाँ शिशु रूप बोले माता माता बताओ ना बच्चा कैसे बनते छोटा कैसे होता देवी कौशल्या आदेश कर पहले एक काम करो ये जो आकाश को छू रहे हो ना चलो छोटे बन जाओ भगवान एकदम इतने छोटे हो गए बोले अब माता बोले जो चतुर रूप धारण करके रखे हो ना चलो दो भुजा हटाओ आउट आउट भगवान ने तुरंत दो भुजे छिपा दिए बोले अब माता बोले फिर भी जो दो भुजाओं में छोटे छोटे आयुध धारण करके रखे हो ना चलो उसको हटाओ भगवान ने उसको भी हटा दिया बोले अब माता क्या कह रहे हैं की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा यह सुख परम अनुपा की जय शिशु लीला शिशु लीला दो भुजा रखो छोटे हो जाओ बोले अब माता बोले अब रोने लगो बोले बोले आखिर माता माता मेरे जीवन में क्या दुख है जो मैं रोऊं क्यों उस समय देवी कौशल्या बहुत सुंदर बात कहे भक्तों बोले मेरे जीवन में क्या दुख है जो रोऊं तो उस समय देवी कौशल्या कहते हैं मैं जानती हूं कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है प्रभु लेकिन आपके भगत आपके मनियड्डा के भगत बहुत दुखी हैं क्योंकि वो दुखी हैं इसलिए उनके दुख में आप रो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना 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 कोई बालक सुर भूपा कोई बालक सुर भूपा यही चरित जतावहि हरि पद पावहि सेना पर भव कूपा यह चरित जतावहि हरिपद पावहि तेना पर ही बखूबा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायतकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायतकारी। तो इस प्रकार भगवान अद्भुत स्तुति आप हाय रखो गाना म्यूजिक बहुत सुंदर। वहां पर स्तुति किए और स्तुति करने के बाद भगवान धीरे धीरे छोटे बालक हैं बालक से बहुत सुंदर लीला किए और लीला करने के पश्चात धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे। कहाँ देख रहे हैं आप? हमारे ऊपर ध्यान होना चाहिए, थोड़ा ऊपर रखिए इसको। भगवान धीरे धीरे करके बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान गुरुकुल गए, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद कुछ ही दिन के बाद विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने पूछा, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? बोले सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या करूं, कभी कभी मेरा भजन भक्ति बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ डीजे लोग लेकर के आ जाते हैं, बजा देते हैं, तो मेरा भजन भक्ति गड़बड़ा जाता है। बहुत सुंदर हम ऋषि मुनि कथा सुनते हैं, तब तक जगत के कुछ लोग आ जाते हैं और गंदे गंदे गाने डीजे पे बजा देते हैं, तो हमारा मन भटक जाता है। इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर बातें कहें। तो महाराज बहुत सारे असुर भी आ जाते हैं, कभी खून डाल देते हैं हमारे यज्ञ में, कभी हड्डी डाल देते हैं। तो महाराज मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र राम और लक्ष्मण को मैं साथ में लेकर जाऊं और उन असुरों का वध करा दूं। इतना सुनते ही तो भक्तों जैसे किसी बादल, किसी बारिश की मौसम में बादल चमके, वैसे राजा दशरथ के हृदय में बिजली चमक गई। जैसे बिजली गिरने से बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, वैसे राजा दशरथ भूमि पर गिर गए और कहते हैं, चौथे पन पायौ सुत चारी विप्र बचन नहीं केहु बिचारी। चौथे पन पायौ सुत चारी विप्र बचन ब्राह्मण देव। अरे थोड़ा विचार करके तो बोलिए। इतना जीवन बीतने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे आप लेके चले। सब सूत प्रिय मोह प्राण, प्राण के समान मेरे सारे पुत्र प्रिय हैं, और उसमें भी राम और लक्ष्मण ये तो मेरे आंखें हैं। जब इसका इस प्रकार वशिष्ठ जी रोने लगे, दशरथ जी रोने लगे, वशिष्ठ जी वहीं खड़े थे और कहा, राजन चुप चुप हो जाइए, आप ऐसे विलाप मत करिए। याद करिए राजन, ये पुत्र आपके यज्ञ से प्रकट हुए हैं और आपके पुत्र का कर्तव्य है आप उसे यज्ञ में भेजो, यज्ञ की रक्षा करना। तुरंत महाराज दशरथ ने तुरंत भेज दिया। राम लक्ष्मण जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। आप कंटिन्यू रहो, खबर करो उसको। राम लक्ष्मण जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। तुरंत राम और लक्ष्मण जी गए हैं अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए, और देवी कौशल्या तो गदगद हो गई, क्योंकि बचपन में ही किसी साधु ने बोला था कि जब कोई साधु आवे लेने के लिए तो अपने बच्चे को दे देना, जाएंगे तो 2, आएंगे कितने? 8। भेज देना। देवी कौशल्या तुरंत भेज दी। इसके बाद आप जानते हैं आगे भगवान जाते जाते विश्वामित्र जी ने भगवान से ताड़का का वध कराया और फिर भगवान यज्ञ में पहुंचे और यज्ञ में पहुंचने के बाद विश्वामित्र आदि ऋषि मुनियों ने यज्ञ प्रारंभ किया और उस समय उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी रहे। उसमें बहुत सारे असुर लोग आए, उन सबको भगवान ने क्या किया? सबको मार दिया, एक एक करके मार दिया। और मारने के बाद उसी समय एक दूसरे धनुष यज्ञ की सूचना मिली। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण महाराज जनक बहुत सुंदर धनुष यज्ञ कर रहे हैं, जाओगे? अब भगवान बोले, जाने की इच्छा तो थी, तो एक बार फिर बोले नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ठीक है, चलते हैं। अब निकले ही यज्ञ संपन्न करने, तो सारे यज्ञ संपन्न कर लेते हैं। भगवान तो जान ही रहे थे, तो विवाह होने वाला है मेरा। तो आश्रम लेकर के दोनों को साथ में लेकर के जा रहे हैं। जाते जाते रामायणकार कहते हैं, आश्रम एक दिख मग माहे, खग मृग जीवा जंतु तहां नाही। महाराज भगवान श्री राम को एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में कोई नहीं था, कोई खग, कोई मृग, कोई नहीं, बस एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी। विश्वामित्र से पूछा तो कहते हैं, गौतम नारी श्राप बुस उपल दे धरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे राघव, गौतम नारी श्राप बस, पाप के वजह से नहीं, श्राप के वजह से। अरे अहिल्या का तो कोई गलती नहीं था। घटना ये थी कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी और एक बार इंद्र का नजर उनके ऊपर बिगड़ गया, संग करने की इच्छा हुई। एक दिन सवेरे सवेरे, पहले क्या थे कि लोग मुर्गे की आवाज सुनकर के जग जाते थे, बाद में लोगों ने मुर्गे को काटना शुरू कर दिया तो आवाज देना ही बंद कर दिए। तो उस समय राजा इंद्र 2 बजे मुर्गे का रूप लेकर के वहां पर आवाज करने लगे और आवाज करने के बाद गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो वह स्नान करने के लिए गए। लेकिन उसी समय राजा इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर के इनके घर पे आए और उस समय उसी क्षण जब वहां अंदर गए तो देखा, अरे अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। वापिस आए तो देखते हैं कि मेरे ही छवि का कोई व्यक्ति मेरे घर से निकल रहा है। गौतम ऋषि आए और पूछे, क्या हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूछा कि आखिर क्या हुआ है। अब यह लिया तो सन्न थी, बोले तो क्या बोले? बोले अगर ये मेरे पति हैं तो अभी मेरे साथ जो थे वो कौन थे? यह लिया तो बेचारी सन्न रह गई, पत्थर के समान खड़ी रह गई। गौतम सिंह बार बार पूछते रहे, बताओ बताओ क्या हुआ है बताओ। उस समय यह लिया कुछ नहीं बन पाई और उसी समय गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि पत्थर की तरह खड़ी हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। आंखें बंद करके देखा तो देखा कि यह करतूत इंद्र की है। तुरंत इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर पर बहुत सारी आंखें हो जाए और इस प्रकार से उनके शरीर में बहुत सारे घाव हो गया। और उस दिन से अहिल्या मार्ग पर बैठी थी। किसी ने कहा, अहिल्या तुमसे पाप हुआ है, तुमसे अपराध हुआ, तुम मार्ग पे क्यों बैठी हो? अंदर जाके बैठो ना। बहुत सुंदर स्तुति भक्तों, बहुत सुंदर घटना, बहुत सुंदर, मेरा एकदम प्रिय बहुत सुंदर। कहते हैं अहिल्या तुम अंदर जाके बैठो ना। अहिल्या कहती है, नहीं। बोले तुमसे पाप हुआ है, मुंह छिपाओ। बोले नहीं, तुम अगर पत्थर बन करके रास्ते में बैठोगी, यहां से बहुत लोग जाएंगे, तुम्हें ठोकर लगेगा। देखिए भक्तों, अहिल्या से पाप हुई थी लेकिन अहिल्या छिपा नहीं थी, अहिल्या छिपा नहीं रही थी। बोले हाँ, मैंने पाप किया है। अगर हमारे जीवन में पाप हो जाए ना तो छिपाए नहीं, उसे अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास जाकर के स्वीकार करना चाहिए। अहिल्या स्वीकार कर रही है कि मुझे पाप हुआ है, मैं कोने पर नहीं बैठूंगी, रास्ते में बैठी हूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं लोगों के, जगत के लोगों के ठोकर लगेंगे तुम्हें। अहिल्या कहती तो क्या हुआ? जगत के लोगों के ठोकर खाते 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 एक ना एक दिन मुझे मेरे प्रभु की ठोकर लगेगी, और जिस दिन प्रभु की ठोकर लग गई ना, मेरे तो भाग्य उदय हो जाएगा। हरि बोल, मेरे तो भाग्य उदय हो जाएंगे। अहिल्या मार्ग पर बैठ रही है, कब भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, कब भगवान आएंगे मेरी राह करेंगे। तब विश्वामित्र ने कहा, राम, हे राम, ये तुम्हारी राह देख रही है पुत्र, जाओ और इनका उद्धार करो। विश्वामित्र जी के कहने पर श्री रामचंद्र आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही अपना धीरे 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 कदम आगे बढ़ाया, अपना चरप भगवान ने ऊपर किया, और चरण की रज जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श हुई, भगवान के चरण जैसे ही उस पत्थर के ऊपर स्पर्श किए चरण रज, तुरंत प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उस पत्थर से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। हरि बोल, जय श्री राम। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, परसत पद पावन शोक न सावन, पुंज सही, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप सही, प्रकाश पुंज उत्पन्न, और सुंदर रूप धारण किए हुए देवी अहिल्या प्रकट हुई। जैसे ही भगवान का चरण रज उसे अहिल्या को स्पर्श किया, तुरंत परम प्रकाश छा गया। अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई, अहिल्या का शरीर से तेज निकला। आज भी कई लोग अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते हैं, विशेषकर माताएं, और जाकर के 3-3 घंटे जाकर के 3-3 घंटे कहां बैठती हैं? अरे बिना डीजे के भी पूजा होती है भाई, एक जगह रख करके पूजा करा लो। क्या कथा में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी चीज को? पूजा के लिए डीजे नहीं चाहिए, इससे आपके लिए बुरा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इससे आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। बार बार नचा रहे हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे, दोनों साइड तो बेंच। आज भी कुछ माताएं अपना शरीर का तेज बढ़ाना चाहती है ना, ब्यूटी पार्लर जाती है ना, और 3-3 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठती है, और ब्यूटी पार्लर से बैठ करके जब बाहर निकलती है तो कैसे लगता है? जैसे पूतना। बाल स्ट्रेट, नाखून रंगे हुए, ऐसे ही देवी पूतना भी रंग बनाएगा। लेकिन अगर वास्तव में हम अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं, ये ब्यूटी पार्लर की सुंदरता 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा रह सकती, 1 घंटा रह सकती, 1 दिन रह सकता है। लेकिन वास्तव में अगर हम अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं भक्तों, तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति करिए। भगवान की दृष्टि जिस दिन पड़ गई ना, उस दिन एक ऐसी सुंदरता प्रकाश प्राप्त हो जाएगी जो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त हो। खत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर चोर रही, देखत रघुनायक तन सुखदायक, सन्मुख होई कर चोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा दर्शन कहीं अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। अलिया दोनों हाथ जोड़ दो, दोनों हाथ जोड़ दो और भगवान के सामने खड़े। अले अले चाहती है कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन लेकिन स्तुति करूं तो कैसे? आज इतने वर्षों के बाद सहसा पत्थर से नारी बनी है, तो आज अहल्या का बुद्धि काम नहीं कर रहा, क्या किया जाए? और उद्धार भी किया है भगवान साक्षात सामने, क्या क्या बोला जाए, क्या बोला जाए? ये है प्रेम की पराकाष्ठा। हमारे आचार्यों ने भी मांगा ना, गौरांग बोलिते होबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बहके नीरा। हे प्रभु कब ऐसा दिन आएगा जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा, गौरांग नाम लूंगा और मेरे आंखों से अश्रु की धारा बह जाएगी? कब ऐसा दिन आएगा? अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे। धीरज मनु कीना प्रभु कहु चिन्ना, धीरज मन कीना प्रभु कहु चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई, रघुपति कृपा भगति पाई। अहिल्या की वाणी गदगद हो गई, आंखों से अश्रु की धारा एकदम निर्मल वाणी से, तो कहते हैं अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। अगर आप स्तुति नहीं कर सकते तो कम से कम ताली तो बजाइए। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान कम जय रघुराई, ज्ञान कम जय रघुराई। राजीव विलोचन भवभय मोचन पाई पाई शरण आई, राजीव विलोचन भवभय मोचन पाई पाई शरण आई। ये दोनों भगवान को स्तुति करें। हे राजीव लोचन, हे राजीव कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर गंग वाले भगवान, सुगंधित गंग वाले भगवान, हे राम, हे राम आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य, आज आपका दर्शन मिला प्रभु, आपके चरण की रज मिली। और सच को प्रभु, प्रभु मेरे जीवन में ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे मात्र एक कारण, क्या कारण? गौतम ऋषि का श्राप। उन्होंने, उस ऋषि ने, उस साधु ने जो मुझे श्राप दिया ना, अद्भुत कार्य किया महाराज, अद्भुत कार्य किया। अगर वो ऋषि मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई होती महाराज। कई बार कोई गुरुजन, कोई वरिष्ठ हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता। गुरुजी, प्रभुजी बहुत डांटते हैं, नहीं रहेंगे उनके साथ। लेकिन शास्त्र का काट्य सिद्धांत भक्तों, जब कोई वरिष्ठ, जब कोई गुरु, जब कोई अपने आश्रित पर क्रोध करता है ना, तो वह उनका क्रोध नहीं, उनका अनुग्रह होता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, 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 परमानुग्रह में माना, परमानुग्रह में माना। हरिभव मोचन यही लाभ शंकर जाना, देखो हरि लोचन हरिभव मोचन लाभ शंकर जाना। अहिल्या कहती है मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया ना बहुत अच्छा किया। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया मुझे ना अद्भुत कार्य किया, क्योंकि अगर वो क्रोध नहीं किया होता ना लाखों लाख वर्षों तक ध्यान करने पर भी, हजारों यज्ञ करने भी, होम हवन करने पर भी मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई होती प्रभु। लेकिन धन्य है उस ऋषि का एक श्राप जिसके कारण से आज मुझे साक्षात आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपकी चरण धूलि प्राप्त हुई। भगवान ने कहा अहिल्या अहिल्या मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग लो। अहिल्या बहुत सुंदर कहती है, आप लोग वहां मत देखिए, वहां कथा नहीं हो रही, इधर इधर सामने। गुड। अहिल्या कहती है प्रभु प्रभु मैं तो नारी हूं, मैं तो जन्म से अपावन हूं, मुझे क्या पता क्या मांगना चाहिए। आज अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो हम क्या करेंगे? प्रभु हमारे बैंक में 5 करोड़ रुपया, 5 BMW गाड़ी, 5 मर्सिडीज, 2-4 रोल्स रॉयस और एक हमारा वो प्राइवेट जेट हो जाता ना प्रभु, मजा आ जाता प्रभु। और बॉम्बे के मरीन ड्राइव में हमारे कम से कम 5-10 एकड़ की जमीन दिला, मजा आ जाता प्रभु। अमेरिका में 2-4 फ्लैट दिला तो मजा आ जाता। लेकिन देवी अहिल्या क्या कह रही है? प्रभु 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 मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू क्या मांगू? जब जब भक्तों को भगवान ने कहा ना मांगने के लिए, बस इसी प्रकार से कहते क्या हम भी भगवान से मांगते हैं और हमारी मांग पूरी हो जाने पर हमारी मांग खत्म नहीं होती भक्तों, बढ़ जाती बढ़ जाती। आप देखिएगा, आप भगवान से कभी कुछ भौतिक चीज मांगिएगा, पूर्ण हो जाएगा तो वो और बढ़ जाएगा। हमें मांगने आता ही नहीं है। मांगना तो उसे कहते हैं जिसे एक बार मांग लो फिर जीवन में मांगने की जरूरत ना रख जाए। देखिए देखिए ये है मांगना। कहते प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु अगर आपको कुछ देना ही है, पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद शूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, जेहि पद शूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। प्रभु आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए, आप कृपा कीजिए कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण रूपी कमाल कमल के परागरज में आसक्त। जैसे भौरा कहीं दूर से आता है और कमल के परागरज में आसक्त रहता है प्रभु, संध्या का समय हो जाता है, भौरा जानता है कि अब संध्या का समय होने वाला है, कमल बंद हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में भी वह जानता है कि मैं मर जाऊंगा अगर कमल के परागरज को नहीं त्यागा। वैसी स्थिति में भी वो भौरा अपने प्राण को त्याग देता है, लेकिन कमल के परागरज को नहीं त्यागता। ठीक उस भौरे की तरह प्रभु मेरा मन रूपी भौरा उड़े और आपके चरण रूपी कमल परागरज में जाके लगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। स्तुति करिए ये विचार करते हुए कि राम से अधिक करुणामयी बन, कृष्ण से अधिक कृपालु, राम से अधिक कृपालु इस संसार में और कौन व्यक्ति है जो ऐसे पापियों का भी उद्धार करते हैं? कौन कर सकता है? यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, अब बिना कारण की कृपा करने वाले, बस कृपा की भीख तो मांगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 जय श्री राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम 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 जय श्री राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 जय श्री राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। धीरे 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 भगवान आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अहिल्या का उद्धार कराने के बाद वन के मार्ग से होते हुए गंगा के तट पर चलते हुए गंगा जी की महिमा सुनाते हुए जनकपुर पहुंचे हैं। और जनकपुर पहुंच करके पूछते हैं जनकपुर कैसा, तो कहते हैं जनकपुर जैसा। इसकी कोई और उपमा दूसरी नहीं, जनकपुर केवल एक ही है और इसके जैसा दूसरा कोई है नहीं। कहते हैं पूरन नर नारी सुभग सुचि संताप, पूरन नारी सुभग संता, पूरन नर नारी सुभग सुचि संता, पूरन नर नारी सुभग सुचि संता, पूरन नर नारी सुभग सुचि संता, पूरन नर नारी सुभग सुभग संता, धर्म धर्शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म धर्शील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर का परिचय देते हुए कहते हैं कैसे जनकपुर कैसा, बोले इस संसार में कोई दूसरा राज्य ही नहीं है जिससे उसकी तुलना दे दूं। जनकपुर कैसा, तो जनकपुर जैसा। इस संसार में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर सब लोग अच्छा रहता। महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग अच्छा थे, लेकिन नाम मंथरा मंदमती, एक मंथरा जो थी पूरी रामायण को बिगाड़ दिया। रावण के राज्य में सब लोग बुरा, लेकिन विभीषण भगवान का भक्त। लेकिन जनकपुर सब लोग धर्मधर्शील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में रहने वाले सब लोग धर्मशील थे। हमारे भगवान के ससुराल का वर्णन हो रहा है, प्रेम से गाइए। सब लोग गुणवान थे, सुशील थे, गुणों के खान थे। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पहुंचे। महाराज जनक बेटी की स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे, बहुत व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही जनक जी के कान में गया विश्वामित्र ऋषि आए। जनक जी अपने सारे कार्य को छोड़कर विश्वामित्र से मिलने आए। कहते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र से, जनक अपने सारे कार्य को छोड़कर विश्वामित्र के पास आए। हमारे देश की परंपरा भक्तों, बड़े बड़े राजा और राजवाड़ाओं की तख्त संतों के सामने झुकते हैं। पहले लोक मत होता था, लोगों का मत लिया जाता था, साथ साथ संतों का मत लिया जाता था। आज लोक मत तो है, संतों का मत नहीं है। इसलिए संसार की यह दुर्दशा है, इसलिए यह दुर्दशा है। धन्य है महाराज जनक, पता चला विश्वामित्र ऋषि आए हैं। अपना सारा कार्य छोड़कर विश्वामित्र के पास आए पर आकर के प्रणाम किया। बहुत सुंदर, सहज विराग रूप मनु मेरा थकत हो तिजिम चंद चोकरा। बहुत सुंदर सुंदर एक रूम प्रदान किया और उनको देख करके भगवान श्री रामचंद्र को देख करके विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं? ए आवाज नहीं करना है। क्यों आवाज करते हैं? कथा में आनंद नहीं आ रही है, इतनी कथा है, मुझे तो मन कर रहा है कि आज रात भर कथा करता रहूं, लेकिन आप लोग हल्ला करते हैं, इतना तो बड़ा दुख होता है मुझे। मुझे लगता है कि आप लोग सुन नहीं रहे मुझे, आप ही लोग का मैं सुन लेता हूँ। माइक दे दिया जाए, दो चार उधर दीजिए, दो चार माइक उधर माता जी लोगों को, थोड़ा बच्चे लोग को दीजिए। एक में तो ये ढोल डीजे क्या क्या ना जाने बजा रहे हैं, आप ऊपर से और परेशान कर रहे हैं। अरे सुनिए कथा प्रेम से, क्या जरूरी है बोलना पड़ 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 पड़, घर में नहीं बोलते हैं? प्रभु जी लोग देखो कितने शांति से बैठे हुए हैं, बेचारे को घर में भी नहीं बोलने दिया जाता है, यहाँ भी नहीं बोलने दिया जाता है। वहाँ भी आप लोग ही बोलते हो, यहाँ भी आप लोग ही बोलते हो। अरे यहाँ तो कम से कम चुप रहा करो, यहाँ मेरी सुनो। अरे वो एक बेचारा पति कोई डॉक्टर के पास एक पत्नी लेकर के गए, बोले क्या बीमारी है? बोले सोते हैं तो बहुत बोलते रहते हैं। तो पति बोले अरे तुम इसको दिन में बोलने दिया करो, तब तो ये रात को नहीं बोलेगा। थोड़ा शांत रहिए। तो बहुत सुंदर महाराज विश्वामित्र को सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बस हूँ ले दीन भुआला। बहुत सुंदर एसी और हीटर लगा हुआ एक कमरा प्रदान किया, बहुत सुंदर वातानुकूलित है ना। और उस समय जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र, ये दोनों बालक कौन है? मैं इनके ऊपर आकर्षित क्यों हो रहा हूँ? मैं तो आत्मा में रमन करने वाला जनक हूँ। जनक ही एक वैसी व्यक्ति है जिनका नाम भगवत गीता में भगवान लेते हैं और किसी दूसरे राजा का नाम नहीं। तो मैं तो आत्मा में रमन करने वाला, तो फिर इनमें आसक्त क्यों हो रहा हूँ? तब विश्वामित्र जी कहते हैं ये रघुकुल के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम, ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण दोनों मिले और फिर गए। और फिर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण विश्वामित्र जी से आदेश लेते हैं, प्रभु महाराज ये मेरा भाई लखन जनकपुर देखना चाहता है, आप कहें तो घुमा दूं, दिखा दें? विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है जाइए। राम में बड़े आसानी से आज्ञा मिल गए। वहां कृष्ण भी गए थे धनुष यज्ञ में, पिताजी को बोला बाबा बाबा आप कहो तो थोड़ा हम लोग मथुरा नगरी घूम के आ जाएं। बोले नहीं नहीं जाना है बाबा, जाने दो ना, जाने दो ना बाबा, जाने दो ना। बोले एक कंडीशन में जाने दूंगा। बोले क्या? बोले सीधे सीधे चलोगे तब। बोले बाबा अगर मोड़ आ गई तो? तू नहीं जा, तू इधर ही रह। अच्छा नहीं बाबा जाने दो। बाबा अगर रास्ते में दीवार आ गई तो? तेरे को जाना ही, तू इधर रह। अच्छा जाने दो ना बाबा, ठीक है जाओ, लेकिन किसी दुकान से कुछ चोरी नहीं करोगे तब? सच क्षमा चाहूंगा, किसी दुकान से कोई वस्तु नहीं लोगे तब? बोले बाबा खरीद नहीं सकते, चोरी तो कर सकते ना। बोले तेरे को बोला ना नहीं जाना, इधर ही रह। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ, जाने दूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करोगे तब? बोले अगर बाबा कोई हमसे आकर सामने से लड़े तब? तो कृष्ण को आसानी से नहीं मिली। तो बहुत सुंदर ये गए हैं और बहुत सुंदर नगर भ्रमण करके आए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे विश्वामित्र जी ने, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर क्रम बताया गया, सोने का और जगने का, बहुत सुंदर सिद्धांत। आए बहुत सुंदर गुरु की सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं राम लखन। गुरु जी ने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। गुरु जी सो गए, अब राम लखन सोने के लिए आए और अब लखन जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते लखन जी राम भगवान सो गए, तो लखन जी फिर धीरे धीरे करके बाद में सो गए। अब यहीं पर उठने का क्रम बताया, पहले कौन उठे? लक्ष्मण जी, फिर गुरु। ये होना चाहिए, ये सिद्धांत है, इसको पकड़ना चाहिए। तो जनकपुर के लोगों ने राम का दर्शन किया। दूसरे दिन सवेरे गुरुजी ने फूल लाने के लिए भेजा है। राम जी लखन जी वाटिका में गए और दूसरी ओर सुनैना ने अपनी पुत्री से कहा बेटा जाओ, तुम जाओ और पुष्प वाटिका में जाकर के गिरिजा जी की पूजा करके आ जाओ। देवी सीता अपनी सखियों के साथ एक ओर से जा रही है, एक ओर से हमारे भगवान लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। दोनों ही प्रवेश किए और उस बगीचे का अद्भुत वातावरण हो गया। बहुत सुंदर चिड़ियां चहचहाने लगी, बहुत सुंदर चिड़चिड़ियाँ चहचहाने लगी, बहुत मधुर मधुर सुंदर सुंदर हवा बहने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी। उसी समय एक सखी ने कल जब राम भ्रमण के लिए आए थे तो उन्होंने राम को देख लिया था, और आज जब वो एंट्री किए पुष्प वाटिका में तो भी देख लिया, और उनकी उसी समय इच्छा हो गई थी कितना सुंदर पुरुष है, अगर इनका विवाह सीता के साथ हो जाए ना तो अद्भुत हो जाए। उसी समय उस सखी ने देवी सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीते सीते, आज ना मैंने एक अद्भुत पुरुष का दर्शन किया है, चलो मैं तुम्हें उस पुरुष का दर्शन कराती हूँ। तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लुभाने वाला उस पुरुष का आज मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर ईश्वर का दर्शन कराए, वैसे ही वो सीता वह सखी सीता का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे करके दर्शन करने के लिए लेके जा रही है। देवी सीता पूछ रही है, कहाँ है सखी, वो कहाँ है सखी, बताओ बताओ कहाँ है वो सखी। उस बगीचे में लक्ष्मण जी ने देखा इनकी एंट्री हो चुकी है, प्रिया प्रीतम मिलने वाले हैं। उसी समय लक्ष्मण जी से जितना हो सका राम जी को सजा दिए, एक झाड़ के पीछे बिठाया, कुछ फूल तोड़े माथे में लगा दिया, कुछ बाजू में लगा दिया, कुछ हाथ में लगा दिए, कुछ बालों में लगा दिए, और जैसे एक पुजारी पर्दा खोलता है ठीक उसी प्रकार से वह सखी आई और धीरे 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 करके झाड़ी हटाई। और कहते हैं सीता जी और राम जी बिल्कुल आमने सामने हो गए, और रामायण कार बोल उठे, क्या लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बरा। जय हो, बहुत सुंदर दोनों मिल गए, प्रसंग तो बहुत है भक्त, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सखी आई, कुछ देर के बाद जबरदस्त देवी सीता को खींच करके लेके गई, सीता गिरजा जी के पूजन में लेट गई, चलो विलंब हो रही है, लेकर के गई। यहाँ भगवान रामचंद्र लखन से कहते हैं, लखन लखन, आज तक मेरा मन किसी स्त्री के ऊपर नहीं गया था, लखन मुझे मेरे रघुकुल के ऊपर विश्वास है, कि मुझे मेरे मन के ऊपर विश्वास है कि किसी स्त्री के ऊपर ये जा ही नहीं सकता, लेकिन लखन आज मेरा मन इस देवी सीता के ऊपर जा रहा है लखन, तो निश्चित कल स्वयंवर में ये सीता तेरी भाभी बनने वाली। जय श्री राम, निश्चित तेरी भाभी बनने वाली है। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण वापस अपने स्थान पर पहुंचे। सीता अपने सखियों के साथ देवी पार्वती के मंदिर में गई। देवी सीता अपनी झोली फैलाकर पार्वती से प्रार्थना कर रही है। बहुत सुंदर सिद्धांत। देवी सीता पार्वती के शरण में गए। हम भागवत में सुनते हैं गोपियां कात्यायनी देवी के शरण में गई। देवी देवताओं का सदैव आदर करें, प्रणाम करें, और हम तो गोपीर भरता पद कमलम दास दासा अनुदास अनुदास, गोपियों के हम दास, हमारे लिए आराध्य। लेकिन इन देवी देवताओं के पास जाने के पीछे उद्देश्य क्या हो जाए, राम हमें मिल जाए, कृष्ण हमें मिल जाए, ये राम हमारे पति बन जाए, ये कृष्ण हमारे पति मिल जाए। राम तो नहीं बनेंगे क्योंकि राम का एक लक्ष्य, एक देवी सीता, लेकिन कृष्ण हमारे पति बन सकते हैं, और वास्तव में वही सबके पति हैं। बहुत सुंदर देवी सीता झोली फैला करके पार्वती से प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज किशोर, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा, जगत जननी दामिनी दूती गाथा, अगर देखा जाए तो आज ये विवाह भी हो रहा है, ये भी धन्य है, कमाल के सौभाग्य पाया इन्होंने। भगवान का विवाह इधर और उधर उनका विवाह, अद्भुत। जय हो। लेकिन खाली भगवान की कथा में विघ्न ना उत्पन्न करें। बहुत इनकी सौभाग्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये दुल्हा और दुल्हन का सौभाग्य, ऐसा संयोग नहीं लगता है कहीं, पहली बार, प्रथम बार। संयोग दोनों खुद ब खुद सेट हो गया। भगवान रामचंद्र कल भी आ सकते थे, कल भी विवाह हो सकता था, लेकिन आज ही होना है। थोड़ी बहुत विघ्न हो रही है, लेकिन संभाल के शांति से उनको क्रॉस करा दीजिए। हे गिरिजा, हे पार्वती, हे गजानन गणपति महाराज की माता, आज मैं आपके शरणों में बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अभी अभी पुष्प वाटिका में मैंने जिस राम को देखा है ना, प्रकार अनेकों मंत्रों से विरदाते हुए, अनेकों बातों से क्षमा अर्चना करते हुए परशुराम जी अपने 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 जहां से आए थे महेंद्र पर्वत को वापस। बहुत सुंदर, परशुराम जी वापस गए। यहाँ बहुत सुंदर देवी सीता और राम का स्वयंवर हुआ। बहुत सुंदर देवी सीता आई और भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला पहनाई। कुछ दिन के बाद दशरथ जी को बुलाया गया और बहुत सुंदर बारात आई और बहुत सुंदर नृत्य होने लगा, आनंद होने लगा। आप भी उस आनंद में भाग लीजिए। दोनों सब लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और नाचते हुए सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम सीताराम तुम्हारी जय जय हो, 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 सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो, 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 अवधेश तुम्हारी सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम। नाचते हुए भगवान के पार्षद में राम 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 राम, सीताराम राम राम, जय श्री राम, राजा राम राम राम, राजा राजा, सीताराम राम राम, राजा राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, भगवान के बारात आ गई है और मिथिलापुर बहुत सुंदर सज सज के और भगवान के लोग निहार रहे हैं। चारों भैया बड़ी सुंदर लग रहे हैं, चारों भैया दुल्हा बन के आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, तो मिथिलावासी बड़ी प्रसन्न है। मिथिला यही बिहार में और नेपाल के बॉर्डर में पड़ जाता है। तो आइए हम लोग प्रसंग सुनते हैं कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू है भैया, सभी लोग ताली बजाएंगे और नाचेंगे कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का धमाल सखिया, चारों चारों दुल्हा में बड़का कमाल, शीश मौरी मौरिया कुंडल सोहे कनवा, शीश मौरी कारी कारी कजरारी झूल में नयनवा, कारी कारी कजरारी झूल में नयनवा, कारी कारी कजरारी झूल में नयनवा, कारी कारी कजरारी झूल में नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे बाल सखिया, लाल चंदन सोहे बाल सखिया, चारों दुल्हा में सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा कर लो, हिल तो झूठ ले। क्या बात है, क्या बात है, जय श्री राम। श्यामल श्यामल गोरे गोरे छोड़िया जहान है, श्यामल श्यामल गोरे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे छोड़िया जहान है, श्याम श्याम गोरे गोरे छोड़िया जहान है। अखियों से देखा ने सुना नहीं कान है, अखियों ने देखा लिया सुना लिया कान है। जुगे जुगे जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, ओ जुगे जुगे जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय श्री राम, जय हो, जय हो। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखिए अपना बेटा का विवाह होता है तो लोग खूब नाचते हैं। यहाँ भगवान के बिया हो रहा था, आप लोग नहीं नाच रहे हैं। सभी लोग बाबा लोग पीछे के जितने हैं हाथ उठा लीजिए सभी लोग। अरे चाचा, ओ गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। सब लोग नाचते हुए दोनों हाथ उठा करके। देखी देखी दूल्हा के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बेहाल सखिया, बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और इतना सुनते ही भगवान को विवाह हुआ, सब कुछ हो गया। अरे वाह। इसके बाद भगवान जब मंडप में बैठे तो सब लोग गाली दे रही हैं, राम जी से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? अरे राम जी से पूछे। हरी हरी। देखिए आप लोग डांस नहीं कर रहे हैं, सभी लोग हाथ उठाइए सभी लोग। अरे माई बहन डांस करा जा, भैया बाबू सभी लोग। और राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देता काहे कारी बता द बबुआ, लोगवा देता काहे कारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी का काहे गारी बता दो बाबू। तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछे ए धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछे ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे गारी बता दो बाबू। काहे गारी बता दो बाबू, लहुआ देता काहे गारी बता दो बाबू। इसके बाद नजर गया विश्वामित्र जी पे। जय श्री राम भैया। हरि बोल। बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। बूढ़ा बाबा विश्वामित्र जी को देखकर उनको गाली देने लगे। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखल में दुबर पातर, देखल में दुबर पातर, खाए भर भर थारी बता दबा राजा दशरथ बड़ी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ बड़ी कैलन होशियारी, राजा दशरथ बड़ी कैलन होशियारी। एकटा मरद पर, एकटा मरद पर, तीन तीन गो नारी बता बबुआ, बता बबुआ काहे गारी बता बबुआ, लोगवा देता काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनक के फूल के नारी बता दो बबुआ, लोगवा देता काहे गारी 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 बता दो बबुआ। बोले सियावर रामचंद्र की बोल। भागवत जी की आरती ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। आरती जला लीजिए। हरि बोल। स्पीकर के हाथ से थोड़ा किनारे हो जाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम जन्मोत्सव यहाँ पूर्ण हुआ। राम जी का विवाह भी बहुत धूमधाम से हो गया, गारी भी गवा गया।